अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूअर्स के, किए हो, खैरियत से आए हो, खुश है हो, ज़िंदगी ठीक आहे, तबीयत ठीक आहे, कम कार ठीक आहे, अरे जी हैप्पीनेस किया है जन ताएँ खबर आए तो बड़ी छुट्टी जा चढ़वा रहे हैं बेकी की खबर हुजन हुए बट एटलीस्ट एक असर स्कूल गोइंग सन जो बार आए उवे अज ढा खुश हूँ बिकॉज इन डी जो असर इंतजार हों कहीं फ्राइडे ही कहीं असर उन सैटरडे संडे ऑफ मिल वह अलग आ सैटरडे संडे ही गुजरी वो खबर ही न पवी बट इन जो इंतजार असर जरूर हों अजीब एक ट्रैक है जैसे अस जैसे स्टार्ट थी अस जैसे उन ट्रैक से हलण तदें असेंगे ये लगो है मंडे मंडे है अच्छा ठीक है हाँ अस यूज टू थी हाँ अस यूज टू थी जेस तई वह एनर्जी इंदी है फ्राइडे इंदो है तेस तई अगैन ऑफ अची वो है सो यह कश्मकश मुझे लगे तो हर उन मू की है जो मंडे टू फ्राइडे कम करे तो या पोए दे आर सम ऑर्गनाइजेशंस जो मंडे टू सैटरडे वो कम कर उन्होंने दिल से अस उन तकलीफ जो महसूस कर सकूँ था उन मान सिक्स डेज अ वीक कम करना अच्छा जी ये तो अस कम कह ही आयो पर अस काफ़ी सारा उ मू भी जे न कम कदे भी बिजी अस नजर ईंदा काफ़ी सारा तो अड़ा मूँ दिठा होंगे जिनसे जिंदगी में शायद को मकसद तो होंगे पर कर कुछ न रहा हों पर उन भी जो एक अस को एक अजीब सू नंढी नंढी शूँ असा पढ़ा रहा है उन एक्चुअली असर दिसण शुरू क्या लुक बिजी डू नथिंग वो एक जो कॉन्सेप्ट है वो अस पढ़ो तो है पर उन गो गुड़ असा हाँ उ मू जैसे ये तमाम पढ़ियल शूँ जहाँ प्रैक्टिकली मानों में दिसंदा आयो ना तरी समझंदा आयो तो ये जो लफ्ज़ जो चया वे उन्होंने पोया का तो साइंस जरूरी के तो उ मू भी पे अड़ा हूँ जे इन तरीके के ट्रैक से हल्दा हूँ तदें ही अड़ा लफ्ज़ जो उ मांग या अड़ा कोट्स जो उ मांग चया वे अच्छा इन मांग के मजे की गाल यह है इन मांग के जैसे भी को कम डिबो है तो वो फॉरन से पाँचा दह कम गणा छा तो जी मुख्य तो ये भी करो वो भी करो ये भी करो वो भी करो पर अगर उनके को कम न चो तो यकीन न्याणियों उन्होंने जिंदगी में बो को कम को होंद सिवाय या तो फोन यूज़ कर या तो टीवी यूज़ कर या पोए हेडा होदा जो गाल करजे इन का अलावा उन्हें मान की जिंदगी में बो को कम को होंद सो जी तहां जे अरीब करीब अड़ा जरूर के मानू हों या पोए हिन वक्त जेके असानी स्क्रीन से जुड़ियल उन्होंने वहाँ के अड़ा मानू जरूर हों जेके इन नेचर जहाँ शिकार हों यकीन न्याणियों इन नेचर जो शिकार मानू हों चवण जिला उन्हें मानू जिला जेके वर्कहॉलिक हों या जेके रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटीज होंद उन्हें जिला शायद एक ढो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हों जो उन्होंने अरीब करीब घुमी रो हों पर एक गाल इन मांग की जो प्लस पॉइंट ये होंद तो जैसे भी हों जै भी सिचुएशन में हों जिथे भी हों उे पान के उ मोल्ड कर सिचुएशन के हिसाब से ही उ मू हों जो आम मू जो शायद ढो यू नो कम हर हफ्ते ढो जबरदस्त परफॉर्म कर रो है बाहर जो भी कम कर रो है फैमिली के भी संभाले रो है फाइनेंशियल इशूज भी संभाले रो है खोड़ सारा फला फला जहाँ कम भी संभाले रो है पर जैसे यो कें मुसीबत में इंदो है तो उन टाइम को डिसाइड कर शे फाइट कजे इन टाइम से असें उ मू कम जिनके अस पानी जो ग्लास भी जी छूँ तो पूरी लिस्ट बुधाइंदा तो जी अस टाइम को मांग की कदर कर छो तो का खबर ना सुन तक उन मांग की जरूरत पड़ी वे अरे जी प्रोग्राम की तरफ अचूँ था अजो के एपिसोड के जी स्पॉन्सर किया है लीगल एड सोसाइटी लीगल एड सोसाइटी जैसे गाल थे थी तो हि एक फर्म है एक ऑर्गनइजेशन है जहाँ तहाँ तमाम मांग जहाँ मसला हल कर रही है तहाँ तमाम मांग के फ्री एडवाइजिज ओवर अ कॉल दई रही है न सिर्फ फ्री एडवाइजिज बल्कि इन्हें जो यो चवण है तो जिथे जे मू अफोर्ड नथा करे सकन उनन के लीगल सर्विसेज भी ही काफ़ी जगहों पर प्रोवाइड कना है लीगल सोसाइटी कॉल नंबर दई रही है तक जै नंबर से तुम 9 to 5 आई गेस कॉल कर सोता उन भी जैसे तक कॉल करनी है तो तुम कॉल करो वो तमाम मैसेज रिकॉर्ड कराए सो था द वेरी नेक्स्ट डे वो तहजी कॉल बुधंदा कॉल बैक भी कंदा नंबर है जी 0800-708-06 जैसे तक कॉल करनी है जैसे यू नीड एनी लीगल एडवाइस प्रोग्राम की तरफ अचूँ अस अगर तशरीफ रखन था हाशिम भाई अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई छा हाल ठीक है खुश है तबियत ठीक हाशिम भाई अज कें फरमाइश थे हाशिम भाई ब्लैक पात यार यो सिर्फ कपड़न में हाशिम भाई हर गाल में सिर्फ पांजी बुंदे अच्छा ये वाकई एक जबरदस्त शे है
असा डिफरेंट नेचर जे माण्हुनि जे बारे में ॻाल्हाईंदा आहियूं, पर कुझु माण्हुनि जी नेचर इहा बि हूंदी आहे त उहे सभिनी जेको जेको चवंदो आहे उन जी उहा ॿुधंदा आहिनि, उन ते हली पवंदा आहिनि। चवंदा आहिनि गिरगिट वांगुरु जेके रंग ॿुधाए ख़बर न आहे मिसाल ते फिट थी या नथी, पर असां ॾिसी छॾी आहे त अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके फौरन पंहिंजो शेड चेंज करे छॾंदा आहिनि ॿियनि माण्हुनि खे ॾिसी उन्हनि जी सोहबत में वञी, पर उते ई वरी अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके दुनिया जे कंहिं कुंड में बि हली वञनि, उन्हनि जी पर्सनैलिटी उन्हनि जी शनाख़्त हूंदी आहे, उहे परे खां नज़र ईंदा आहिनि त अच्छा जी हे माण्हू जेको आहे हे शख़्सियत आहे। आई गेस उहा पर्सनैलिटी सुठियूं हूंदियूं आहिनि जेके ॿियनि खे ॾिसी पंहिंजे पाण खे चेंज न कनि, बल्कि उन्हनि खे ॾिसी माण्हू चेंज थियनि, त छा ई ॻाल्हि आहे। अच्छा जी प्रोग्राम में असां गॾु महिमान तशरीफ़ रखनि था, लीगल एड सोसाइटी जी ॻाल्हि थी आहे त उन जा कुझु मैंबर्स अॼु इनशाला असांजे प्रोग्राम में जुड़ंदा। हिकु मैंबर सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे जनाब, पाण जेके आहिनि उहे एज़ एन एडवाइज़र जेके आहिनि उहे लीगल सोसाइटी में पंहिंजा फ़राइज़ सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि। असां गॾु तशरीफ़ रखनि था जनाब शेर हुसैन लगाई साहिबनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? तबियत ठीकु आहे? अलहमदुलिल्लाह। वकालत कीअं बि हले शेर हुसैन साहिबु? तमामु बहितरीन, तमामु बहितरीन, तमामु बहितरीन। किथे हली रही आहे, कीअं हली रही आहे, सुबुह कीअं थींदी आहे वकालत जी, ऐं पोइ वकालत जी शाम कीअं थींदी आहे? नॉर्मल सुबुह शाम त असां ॾिठो आहे, वकालत जी कीअं थींदी आहे? असल में वकील जी लाइफ ॾाढी टफ हूंदी आहे, ऐं हींअर मां त मां पर्सनल ज़ाती तौर ते एज़ ए लीगल एडवाइज़र सिंध लीगल एडवाइज़री में लीगल एड सोसाइटी में एज़ ए लीगल सर्व करे रहिया आहियां, त 9 to 5 ई जॉब हूंदी आहे। पर बावजूदु उन जी जेका प्राइवेट प्रैक्टिस हूंदी आहे उहा वकील वीचारे खे ऑफिस में या टेंशन हूंदी आहे त सुभाणे जेके मुंहिंजा केसिस लॻल आहिनि, त उहे वकालत अहिड़ो शोभो आहे जेको ॿियनि जूं परेशानियूं पाण खणी करे उन खे रिप्रेजेंट करी करे उन्हनि वीचारनि खे रिलीफ ॾींदो आहे। उहा इन इन रंगनि में हूंदी आहे। अच्छा जी, अचूं था असां हिकु ॿिए महिमान जी तरफ़। अॼु असां गॾु जेका हिकु ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, कुझु उहे ॻाल्हियूं जेके वक़्त जी ज़रूरत आहिनि अॼु प्रोग्राम में मूंखे उहे बि करणियूं आहिनि, बिकॉज़ आई एम श्योर असांजा काफ़ी सारा अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके असांखे ॾिसी रहिया आहिनि, ऐं जेके ॾिसंदे ॾिसंदे राति जो बि उन ई काउच ते या उन ई बैड जे कंहिं कॉर्नर ते वेही उन्हनि कुझु खाधो पीतो हूंदो, टी वी ॾिसी थी, उते रिमोट बंदि कयो हूंदो, उते ई आराम फरमायो हूंदो सुबुह जो, या त उहे अर्ली उथंदा हूंदा या पोइ मोस्ट ऑफ द टाइम अहिड़ा माण्हू अर्ली उथणु पसंदि कोन कंदा आहिनि, आराम सां उथंदा आहिनि ताकी तमामु जेको फैट आहे उहो सही तरीक़े सां बॉडी में फिक्स थी वञे, उन खां पोइ सुबुह जो उथंदा आहिनि, ऐं पोइ उनजो हिकु ॿियो स्केड्यूल हूंदो आहे जंहिंमें काफ़ी सारियूं अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हांजे बॉडी जे लाइ नुक़सानकार आहिनि। अॼु कुझु इन्हनि बारनि में ॻाल्हाईंदासीं। असां गॾु तशरीफ़ रखनि था हिकु डर्मेटोलॉजिस्ट, असां सां गॾु तशरीफ़ रखनि था हिकु एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट, असां गॾु तशरीफ़ रखनि था डॉक्टर वीमल लोहाना साहिबनि, जेके असां गॾु तशरीफ़ रखनि था। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे डॉक्टर साहब, हिकु अलॻि अलॻि शयुनि जा सर्विस थींदा रहंदा आहिनि, त इहे अलॻि अलॻि रिसर्च बि थींदियूं रहंदियूं आहिनि, छा इहा तव्हांखे लॻे थो त अगरि इहो सर्वे कयो वञे त जेके माण्हू कंहिं बि मेडिकल फील्ड सां तालुक़ु रखनि था, या पोइ उहे माण्हू जेके थोरो घणो बि नोहाउ रखनि था मेडिकल फील्ड सां, उहे घटि बीमारी जो शिकार हूंदा आहिनि बनिस्बत आम माण्हू जे जेको डिफरेंट शोबनि खां तालुक़ु रखे थो, छा ईअं आहे? अगरि सर्वे कजे तव्हांखे छा थो लॻे, छा रिज़ल्ट ईंदो? पहिरीं ॻाल्हि त तव्हां तमामु सुठो सुवाल पुछियो आहे, त इहा शइ असां 20 to 25 साल पहिरीं सम्झंदा हुआसीं, जेको हेल्थ प्रोफेशन सां वास्तो रखे थो, जीअं तव्हां सुवाल पुछो, त उहो घटि बीमारियुनि सां जेको आहे मतिलबु सफ़र थींदो हूंदो, पर आउं इन सां एग्री कंदो कयां, ऐं आउं सम्झां थो उहो उन्हनि ई बीमारियुनि सां सफ़र थिए थो जेको आम माण्हू थिए थो। फ़र्क़ु इहो आहे त जेको हेल्थ प्रोफेशन वारो उहो पाण इलाज करे थो छॾे, त उहा शइ विज़िबल कोन थी थिए, उहा शइ ज़ाहिर कोन थी थिए। जेको आम पेशंट जेको आहे या आम माण्हू आहे जेके उन बीमारी सां सफ़र थिए थो, त पोइ उहो डॉक्टर अचे थो त उन जी शइ जी हिकिड़ी जेको आहे माना रिकॉर्ड थिए थो या ख़बर पवे थी। बाक़ी हेल्थ प्रोफेशन वारो जेको आहे उन बीमारियुनि सां सेम गुज़रे थो। फ़र्क़ु इहो आहे त उन जी जेकॾहिं नॉलेज सुठी हुजे थी ऐं जेकॾहिं लाइफ स्टाइल डिफरेंट हुजे थो,
तो नेचुरली तो वो सफर घट कंदो एज कंपेयर टू आम मानू आम मानू। अच्छा मजे जी गाल ये है तो वरी तहां जदे के जे बारे में चदा ना तो जदे ता के एक्स्ट्रा अवेयरनेस या एक्स्ट्रा इल्म मिली विंदो वो भी सही नंदो जदे ता के खबर हुंदी है ता अच्छा ही शे हेतरे हद का पो नुकसान थिंदी हेतरो हेतरो नुकसान थिंदो ना का वधिक नुकसान कोन थिंदो ता असा के जदे खबर हुंदी है ता जदा तो ठीक आ आम मानू के अगर जुकाम बुखार थिया ता मोर मानू तो मतलब मोजड़ो मानू तो फौरन परेशान थिंदो ना ओहो भाई जुकाम थियो बुखार थियो डॉक्टर के खबर हुंदी है ठीक आ यार बिन्नी जो ठीक आ हेतरे टाइम का खबर पड़े तो वो टेंशन भी कौन खड़ा ना होगा डॉक्टर यो भी एक फर्क है हाँ यो भी एक फर्क है। जल्दी सा हाशिम की तरफ अचान चाहें थी हाशिम भाई कुछ मज़ेदार सो कुछ शामिल कजे तहजी फरमाइश थे असान नाजरीन जिला कुछ शामिल कजे प्रोग्राम में जी सिख संगत जो यार सगो हो कदे माथो छिक्या कदे हो तो छिके सच्ची मोहब्बत जो गाडो चंदर कदे माथो थिक्या कदे हो तो दिखे पर हुजन हयाती हो रुठा ही रहन पर हुजन हयाती भली प्या विणन सोना भली प्या विणन हो भली प्या विणन सोना भली प्या विणन पर हुजन हयाती हो रुठा ही रहन पर छड्याउत जिंद जान खोरे हो फुरन मास मुखा दिया हुन तोरे हो तिन ता छड्याउत जिंद जान खोरे हो फुरन मास मुखा दिया हुन तोरे कुही प्या कुहन सोना कुही प्या कुहन पर ओ कुही प्या कुहन सोना कुहिंदा कुहन पर उजन हयाती हो रुठा ही रहन पर ओ मुझा सोना ओ मुझा ढोलिया ओ मुझा जाने थोड़े आवड़ प्याकन हो जुदा थी रहन याहू गद जी गुजारन हो रखन रांद तोड़े अचन पर हुजन हयाती हो रुठा ही रहन पर ओ मुझा सोना ओ मुझा ढोलिया ओ मुझा जानी ओ मुझा सोना ओ मुझा ढोलिया ओ मुझा जानी। अच्छा
अच्छा जिन गानों ठायो उन तो खबर न है कहीं के परचाइन जिला या गाल चाहिए या कहीं रुठियल जिला चाहिए पर फिलहाल तो असन माइक रुठी वो अल माइक रुठी अल माइक मैनेज करने वाला रुठी वो खबर फटाफट ब्रेक जो तहां से मुलाकात क्यों था ने ब्रेक का पोए जी वेलकम बैक। अच्छा जी असा गड एक बे मेहमान आहन जिन असा के जॉइन कयो आहे अगेन लीगल सोसाइटी जी सुबह सुबह सा गाल कई आहे त एक बी मेंबर आहन जिन असा के जॉइन कयो आहे पाण लीगल सोसाइटी में एज एन लीगल एडवाइजर जेके आहिनि उहे पंहिंजा फराइज सर अंजाम ॾेई रहियूं आहिनि। असां गॾु तशरीफ़ रखनि थियूं एडवोकेट हुमा नायाब अवान साहिब आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ रखनि थियूं। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ठीकु आहियो, ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? ज़िंदगी कीअं आहे हुमा साहिबु? ज़िंदगी खूबसूरत आहे माशाल्लाह। खूबसूरत आहे? ब्लैक एंड वाइट में केतिरी खूबसूरती आहे? ब्लैक एंड वाइट में ज़िंदगी पंहिंजे हथ में आहे की कीअं खूबसूरत ठाहे सघे थी। अगरि ब्लैक एंड वाइट आहे त उनखे बि खूबसूरत ठाहे सघिजे थी। हा बिल्कुलु बिल्कुलु, इहा ॻाल्हि वाक़ई सही आहे त तव्हां वटि अगरि खोड़ सारा कलर्स आहिनि या खोड़ सारी उहे ख़ूबसूरत शयूं आहिनि जेके तव्हांजी ज़िंदगी में आहिनि पर तव्हां उन्हनि खे वैल्यू नथा ॾियो या तव्हां उन तरीक़े सां उन्हनि सां गॾु नथा हलो त ज़ाहिर उन्हनि जी पोइ का वैल्यू रहे कोन थी। बट येस, अगरि तव्हां वटि ब्लैक ऐं वाइट ई आहे उनखे ई तव्हां ख़ूबसूरती सां पेश कयो था त उहो बि ॾाढो एलिगेंट लॻंदो आहे, उहो बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे न। अच्छा जी, कीअं गुज़री रही आहे ऐं लीगल सोसाइटी सां गॾु थोरो सो तव्हांजे लफ़्ज़नि में ॼाणणु चाहींदमि कीअं हली रहियो आहे कमकार, हीअ जेको कोई कॉल सेंटर आहे जंहिंजी असां ॻाल्हि कई रहिया आहियूं, इते कहिड़ियूं उहे प्रैक्टिसिस आहिनि जेके हली रहियूं आहिनि ऐं कहिड़ा उहे इशूज़ आहिनि जेके साम्हूं अची रहिया आहिनि? लीगल एड सोसाइटी में तमामु सुठो, यानी कि हिन वक़्तु हिकिड़ो मतलबु इलाही डेवलप थियो आहे। 2014 खां वठी कमु थो करे ऐं माशाल्लाह सां सुठो एक्सपीरियंस रहियो आहे ऐं सुठो कमु करे रही आहे। असां वटि मोस्टली जेके केसिस ईंदा आहिनि उहे प्रॉपर्टी या हरासमेंट सां रिलेटेड केसिस ईंदा आहिनि जेके असां डेली मतलबु रिसीव कंदा आहियूं कॉल्स वग़ैरह। त इन हवाले सां बि मां ॿुधाईंदमि की अहिड़ा केसिस या मतलबु प्रॉपर्टी सां ॿुधाया त हरासमेंट जा जेके केसिस आहिनि उहे बि असां रिसीव मतिलबु कॉल्स रिसीव कंदा आहियूं, उन्हनि खे असां प्रोबोनो सर्विसिस बि प्रोवाइड कंदा आहियूं ऐं उन्हनि खे लीगल रेमेडी वग़ैरह बि ॿुधाईंदा आहियूं जंहिंमें असां मतिलबु प्रोबोनो नथा ॾेई सघूं त उन्हनि खे लीगल हिकिड़ो प्लेटफॉर्म ॿुधाईंदा आहियूं जिते उहो कंप्लेंट वग़ैरह करे सघनि था। त माशाल्लाह ओवरऑल सुठो एक्सपीरियंस आहे ऐं सुठो हिकिड़ो किरदारु निभाए रहियो आहे। इवन काफ़ी अहिड़ा कॉल मतिलबु एप्रिशिएटिंग बि कॉल्स ईंदियूं आहिनि असांखे के तव्हांजो इदारो जेको आहे एतिरो सुठे तरीक़े सां असांखे गाइड थो करे। असांखे बिलीव न आहे की गवर्नमेंट जो कोई इदारो या अहिड़ो कोई इदारो वाकई कमु कंदो आहे एक्चुअली, त इहे असांखे कॉल्स रिसीव थींदियूं आहिनि। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। छा हीअ जेके ॿ इशूज़ आहिनि, हिकु प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू ऐं पोइ हरेसमेंट जी तव्हां ॻाल्हि कई, हीअ आई गेस ॾाढो कॉमनली असां वटि थी रहिया आहिनि। प्लस हिकु ॿी शइ त असां वटि जेके क्राइम रेट आहे स्पेसिफिकली तॾहिं तव्हां कराची जी ॻाल्हि कयो उहो बि इलाही वधी रहियो आहे। सो उते बि मूंखे लॻे थो माण्हुनि खे पंहिंजा राइट्स न आहिनि ख़बर, माण्हुनि खे एक्चुअली अगरि ख़ुदा न ख़ासि त कहिड़ो मिसहैप थिए थो, कहिड़ो क्रिमिनल एक्ट थिए थो असां वटि, त माण्हुनि खे ख़बर न आहे त माण्हुनि खे वञिणो केॾा आहे। असां वटि वरी पोइ प्रोसीजर्स जेके आहिनि उहे एतिरा लेंदी आहिनि जो असां सोचींदा आहियूं त छा जी जेका शइ हली वई उहा काफ़ी आहे, इन खां वधीक न पंहिंजो टाइम ज़ाया करिणो आहे। ऐं उन जो नतीजो इहो निकिरे थो त तव्हां जेके एक्ट्स थियनि था उहे प्लस खां प्लस ई थींदा था वञनि, छो त उन्हनि खे बि ख़बर आहे, करण वारनि खे बि ख़बर आहे त थियणो कुझु कोन्हे, हे जेका शइ हिन कुझु मिनट्स में या कुझु सेकेंड्स में थी रही आहे उहा उते ई रहणी आहे, खां वधीक को हिन ते लीगल एक्ट कोन थींदो, को हिन ते का कारवाई कोन थींदी। बिकॉज जंहिंसां थी रहियो आहे उहो ई पाण राज़ी कोन्हे कंहिं बि अहिड़े कानूनी सिस्टम जी तरफ़ वञण जे। सो इहे नंढा नंढा इशूज़ आहिनि जेके असांजी ज़िंदगी में आहिनि ऐं असांजी ज़िंदगी में नज़र अची रहिया आहिनि। ऐं पोइ उन्हनि इशूज़ ते जॾहिं ॻाल्हाइजे थो त किथे किथे मूंखे उहा बि यादि थी अचे, ॿ टे ॾींहं पहिरीं जी ॻाल्हि आहे त गवर्नर साहिबु चयो त असां वटि त मतिलबु जेको क्राइम रेट आहे उहो इलाही घटि आहे ऐं ॿियनि कंट्रीज़ में इलाही वधीक आहे। तव्हांखे छा थो लॻे, छा ईअं ई क्राइम रेट त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे पहिरीं खां बहितरु आहे। ऐं नंबर ॿी ॻाल्हि इहा त काफ़ी जेके यूरोपियन कंट्रीज़ आहिनि, हाणे कंहिं स्पेसिफिक जो नालो त न वठिजे पर उते बि क्राइम रेट्स ज़रूरु आहिनि। अगरि जे इंटरनेशनल असां जनरल्स या इहे कुझु पढ़ूं या जेके फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूयॉर्क टाइम्स आहे या इहे कुझु मां पढ़ंदो रहंदो आहियां त उन्हनि में क्राइम रेट्स आहिनि, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जिते किथे थींदियूं आहिनि, छो जो मेन सीरिया ऐं अहिड़ा माण्हू सॉरी असां वटि घटि आहिनि उन्हनि खां कंपेरिज़न ते सच असां नथा करे सघूं, पर इहा ॻाल्हि जो कराची में काफ़ी आहे
ऐं असां वटि अवेयरनेस जी काफ़ी ज़रूरत आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल स्नेचिंग थिए थी त जंहिंसां थिए थी उहो वीचारो बिल्कुलु ई ख़ामोश थियो वञे ऐं हू न को एफ आई आर थो लॉन्च कराए न को वरी सी पी एल सी जेको सिंध पुलिस जो इदारो आहे ॾेई थो वञे. हिकिड़ो प्रॉपर फोरम आहे. ठीकु आहे स्नेचिंग थी वई, पहिरीं ॻाल्हि त माण्हू ख़ुदि एहतियात करे ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त हर अगरि जे तव्हां सां को क्रिमिनल ऑफेंस थिए थो त एग्ज़ेक्टली तव्हां जेको आहे न उहो घटि वक़्त में तव्हां वञी रिपोर्ट करायो कंसर्न जेको पुलिस स्टेशन आहे उन ते तव्हां उते वञो एफ आई आर लॉन्च करायो. एफ आई आर लॉन्च करण खां पोइ अॼुकल्ह मोबाइल जा जेके आई एम ई आई नंबर आहिनि हुनजे थ्रू तव्हां सी पी एल सी ते तव्हां वञी रिपोर्ट कयो, पुलिस खे पंहिंजो कमु करणु ॾियो. त असांखे इहा अवेयरनेस ई न आहे. स्नेचिंग असां खां थी वेंदी आहे या अहिड़ो को क्रिमिनल एक्टिविटी असां सां केरु अची करे वेंदो आहे त असां ख़ामोशी करे उहो असां उनजी एफ आई आर लॉज ई न कराईंदा आहियूं. उहो मैटर जेको आहे उनजो पर्चो कटराईंदा ई न आहियूं. असां उन सिनेरियो खे एक्सेप्ट करे छॾंदा आहियूं. बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे. अलाह जी रज़ा थी वियो हाणे ख़ैरु आहे. मोबाइल ईअं न हुजणु खपे. जेको आहे ॾिसो हेॾा वॾा इदारा आहिनि, क्राइम रेट असां पाण ई जेकॾहिं चाहींदासीं अगरि जे कंहिंसां थिए थो त हुनखे मां त इहो ई चवंदुमि त हुनखे असां इहा हिमत ॾींदा आहियूं त तव्हां जेको आहे तव्हांखे ख़बर न आहे बिल्कुलु बि तव्हांखे छा करिणो आहे. कोई अहिड़ो एक्टिविटी थी वई आहे तव्हांखे न आहे ख़बर, असांजो टोल फ्री नंबर आहे 0800 7086 6, इन ते तव्हां कॉल करे पुछा कयो हीउ मूंसां वाक़ियो थी वियो असां हाणे छा कयूं. असां इन जे लाइ इन ख़िदमत जे लाइ त असां वेठा आहियूं. छा सही सही. सो हाणे ख़ुदा न ख़ासिता कंहिंसां ईअं अहिड़ो को वाक़ियो थिए, पर थिए थो त घटि में घटि अगरि तव्हांखे ख़बर आहे ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे. एटलीस्ट प्रोसीड कयो. प्रोसीजर्स ॾाढा ज़रूरी हूंदा आहिनि. पर जे ख़बर न आहे त असां वटि नंबर आहे, हिकु अहिड़ो इदारो आहे जेको तव्हांखे उहो रिकॉल तव्हांजे उन मसइले जो सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट ॿुधाए सघे थो. अची डॉक्टर साहिब जी तरफ़ ईंदासीं. डॉक्टर साहिब, कुझु देरि पहिरीं असां ॻाल्हि करे रहियासीं उन्हनि शाहाना ज़िंदगी गुज़ारण वारनि माण्हुनि जी. मां त हिनखे शाहाना ई चवंदमि त जेके माण्हू जेके आहिनि उहे. अच्छा, किथे मूं पढ़ियो डॉक्टर साहिब त असां जेके माण्हू पंहिंजे बेडरूम में या पंहिंजे बेड्स ते मील्स जो ठीकु आहे स्नैकिंग ठीकु आहे थी वेंदी आहे. कल्चर आहे असां वटि, छो त असां वटि हाणे उहो महल वारो सिस्टम त आहे कोन, त हर शइ जे लाइ अलॻि कॉर्नर हुजे. स्नैकिंग थी वेंदी आहे, पर स्पेसिफिकली जॾहिं तव्हां मील्स जी ॻाल्हि कयो था, असां वटि हिकु इहो बि कल्चर नज़र आयो आहे त असां उन ई जॻह ते खाए उन ई पंहिंजा जेके स्लीप पैटर्न्स आहिनि उहे बि उते ई थी रहिया हूंदा आहिनि. असां मानी बि उते ई खाए रहिया हूंदा आहियूं. किथे मूं पढ़ियो हो त जेके माण्हू पंहिंजे बेड्स ते मानी खाईंदा आहिनि उन्हनि जी उन्हनि जे घरनि में कॾहिं बीमारियूं ख़तमु कोन थींदियूं आहिनि. छा इहे वाक़ई सही ॻाल्हि आहे? साइंस सां हा बिल्कुलु. जेको आहे मतिलबु सिंपल आहे, इन में साइंस जो कोन्हे. ॾिसो आम माण्हू सम्झी सघे थो त जेकॾहिं तव्हां वेठे वेठे खाईंदव ऐं उनखे तव्हां मतिलबु जेको आहे कंहिं बि सूरत में फिज़िकल एक्टिविटी में जेकॾहिं तव्हां यूटिलाइज़ न कंदव त लाज़मी आहे उन सां वेठे वेठे जेको आहे तव्हां सही चयो मोटापो थींदो. मोटापे खां पोइ शुगर जूं बीमारियूं थींदियूं ऐं गॾो गॾु जेके ब्लड प्रेशर जूं बीमारियूं थींदियूं. त बिल्कुलु इहो ग़लति आहे त जेको माना वेठे वेठे जेको खाइजे ऐं पोइ उनमें वेठे वेठे में ख़बर कोन पवंदी केतिरो असां खाधो केतिरो खाधो. बिल्कुलु 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 सही ॻाल्हि आहे. असां वटि त हूअं ई जे दस्तरखान लॻंदो आहे ॿ टे माण्हू जॾहिं गॾु वेंदा पोइ त ख़बर ई कोन पवंदी आहे केतिरो बिल पिया खायूं. अच्छा, केतिरो ख़तरनाक आहे डॉक्टर साहिबु? असां जॾहिं हिकु जेको डायबिटिक पेशेंट आहे, ठीकु आहे उहो त ज़ाहिर मेडिसिन ते आहे या इंसुलिन ते आहे या डिफरेंट शयूं जेके बि आहिनि, पर हिकु नॉर्मल माण्हू लाइ, हिकु हेल्दी लाइफ स्टाइल गुज़ारण वारे माण्हू लाइ, हेल्दी लाइफ स्टाइल शायदि ई सानो कंहिंजो हूंदो, पर हिकु हेल्दी माण्हू जे लाइ ॾिसण में फिज़िकली हेल्दी माण्हू जे लाइ केतिरो ख़तरनाक आहे? असां वटि हीअ जेका प्रैक्टिस आहे त राति जो उते ई मानी खाए, उन खां पोइ का वॉक न आहे करणी, का एक्टिविटी न आहे करणी, फ़ौरन असां वटि सुम्हण जो हिकु रुझान आहे छो त असां घरनि में लेट वापसि ईंदा आहियूं, लेट असां मानी खाईंदा आहियूं राति जी ऐं पोइ जल्दी सुम्हणो हूंदो आहे छो त नेक्स्ट डे असांखे जल्दी उथणो हूंदो आहे. इहो केतिरो ख़तरनाक आहे? अॻियां अॼु खां 5 साल पोइ 10 साल पोइ कीअं ॾिसी रहिया आहियो? लाज़मी जेकॾहिं हुनजी फिज़िकल एक्टिविटी न हूंदी ऐं सॼो ॾींहुं सॼो जॉब्स में बिज़ी हूंदो या सिटिंग जॉब हूंदी ऐं जेकॾहिं वेही जेकॾहिं मानी खाईंदो ऐं कंहिं क़िस्म जो मतिलबु कैलकुलेशन न हूंदी त हुन केतिरो खाधो ऐं जेकॾहिं सुम्ही रहंदो त फ्यूचर में तव्हां सही पिया चयो त ॾिसो असां वटि हींअर छो वधियुनि बीमारियूं. उहो इन्हनि में जेको आहे लाइफ स्टाइल पैटर्न जे करे वधियूं आहिनि. असांजी फिज़िकल एक्टिविटी आहे कोन ऐं माण्हू वेठे वेठे खाए पियो ऐं जेको आहे त उन सां फ्यूचर में नेचुरली शुगर जूं बीमारियूं थींदियूं, ब्लड प्रेशर थींदियूं, हार्ट जूं बीमारियूं थींदियूं, मोटापो बि थींदो, जेके इहे सभु बीमारियूं थींदियूं. पोइ वरी जेके आहिनि नी जॉइंट सां बि मसाला थींदा. नेचुरली तमामु घणो ख़तरनाक आहे. एटलीस्ट जेको नॉर्मल माण्हू आहे त
तो उनके असली लाइफ स्टाइल जो है हाँ। बेहतर करना खपे कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना खपे सही सही अच्छा इतने सब फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में तो जरूर डॉक्टर साहब गलिंदा एक जो सो कल्चर है या जो लाइफ स्टाइल है उनके थोड़ो सो मॉडिफाई करने के बारे में भी गलिंदी पर एक आर्टिकल मुख्य याद अचे तो जो तहे नाले से गड याद अचे तो किथे पढ़े हो तो वन इन फाइव पीपल ओबेसिटी जो शिकार हों टिल 2025 नेक्स्ट ईयर की ही गाल है या इनके पोया गाल हुई है कि ये गाल हुई है छा सोचे एडो वो स्टेटमेंट बिकॉज वन इन फाइव पीपल इट्स लाइक अ ह्यूज नंबर कि ये था समझो जी बिल्कुल यो मतलब हकीकत है दसो तो असा जैसे पोन 20 साल में वनो तो अस जी तमाम फिजिकल एक्टिविटी गाल कई तो फिजिकल एक्टिविटी वधी होंगी हुई इवन जो असके गोठ हों अस विलेज एरिया होंगी हुई तो उतने साइकिलू होंद मोटरसाइकिल को गाड़ी को हाँ। सादी मानी होंगी हुई सादी मानी में मुराद खीर मखण या जो कणक मानी होंगी वह होंगी आफ्टर कोविड जो है असे बार मोबाइल दई छाया ऑनलाइन क्लास थी हाली ठीक है एज ए पेरेंट्स अस सुता पे रात बारह बजे जो माना फूड पांडा से ऑर्डर पाया दियन हाँ। जंक फूड्स जो ऑर्डर दियन पाया उन एडा जो शेक एडा जो पेप्सी जहाँ जो ग्लास अचन पाया तो एक तो यो कारण है नंबर बी गाल यो एक्स जो इजी एक्सेस ऑफ जो फूड थो है जी तो ऐसो पेरी गोठन में फ्रिज को हुआ तो इन के स्टोरेज ऑफ फूड को होंगी ताज़ी मानी ठहरी हाँ। सुबह जो रात जो हर मानू खाई छो हिंसर जो फूड जो ठहन था वे भरिया पियान फ्रिज तो जी मैं जैसे मतलब चाहे तो मतलब वो खाए तो इन हाँ। मोटापो वे तो मोटापो तमाम घनो है जी तक बुधा तो जो है वन आउट ऑफ 5% इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी मोटापो ही कारण है बीमारियों जो जो अगत हली जो है शुगर बीमारियों थन्द ब्लड प्रेशर थन्द बी बीमारियों मतलब थन सही ए मुख्य लगे तो जैसे मोटापे की गाल तो किथे मु पढ़ो हो तो तहजी एक बंच है बीमारियों जो उनको रीजन मोटापो है मोटापो है जी अच्छा एक डॉक्टर साहब एक शे तो अस जैसे मोटापे की गाल क्यों था तो असंख काफ़ी सारा उ मू मिलना जो मोटापे की शक्ल में हूँ उनके ऐसी अस सोचा तो ठीक है इनके फला फला बीमारी थी सके थी काफ़ी अड़ा मूँ जो फिजिकली ढा फिट नजर इंदा बट दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज ऑल्सो एंड डिफरेंट डिजीजिज यो साइन उनमें तो कई कारण थे जो है हेरिडिटी फैक्टर थे तो ठीक है उनका यो थी सके तो उनको डाइट स्टाइल जो मतलब सुठो न हो जो मतलब खादे में जो जंक फूड्स होजन जूसिस होजन कोल्ड ड्रिंक्स होजन फिजिकल एक्टिविटी न हो तो वो भले जो मोटा मोटो न भी मूँ सनो मूँ भी है जो बॉडी वेट सही है तो उनमें शुगर थी सके थी ब्लड प्रेशर थी सके थी पर माना रिलेटिवली जो है माना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में असा दिखो तो मोटे मानू में ये चांसेस वधिक हो जंदा बनस्पत जे कने को सनो मानू आए सनो मानू आए बिल्कुल 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 सही गाल है असा कने कने ये थिंदो है तो असा दिसन आयो के फिजिकल अपीयरेंस जे मानू जी डाडी फिट हुंदी आए उनके का खबर न हुंदी तो केडी हुए बीमारियों हैं जेके पान सगत खणी कैरी करे तो उनही जगह ते असा वरी डॉक्टर साहब ओए मानू भी डिठाइन जेका जेंजा जेके डाडा ओवरवेट हुंदा है पर उन भी इंटरनल जो लाइफ है असि ऑर्गन्स की वह ढी मेंटेन रखना उड़ो ईजी रखना कें किथे मां इो भी पढ़ो तो जो वेट तहां के सूट करे तो वो वेट बी एम आई तक असो वो अलग गाल बट जो वेट तहां हेल्दी समझो ताे ला वो वेट पहंजो रखो छा ये भी आ है या बीएमआई ते अचन जरूरी आ है ना बीएमआई ते अचन जरूरी कोने यो मतलब बीएमआई ते डिस्कस कर माने आम मानू के प्रेशर कन जे बराबर आ ता सही छयो त जेको है जेको ता के वजन सठो लगे आई जे में ता के खुद फैमिली के ता जे दोस्तन यारन के यो महसूस से त ता जी फिजिकल फिटनेस आ है त वो जेकने वजन आ है आई जेकने ओवरवेट में ना है त वो माने लाजमी आ है त उन वो बीमारन का बची सके तो सही माने वजन जो नॉर्मल हो तमाम जरूरी है तमाम जरूरी है अक्सर ये थिनो है त असना वेट जने जैसे मूँ अंडर वेट हूँ उनके खबर को होंगी कें 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 फिजिकल अपीयरेंस ये होंगी जो लगन तो ठीक है वेट है पर वो हों अंडर वेट आन उनके जो नॉर्मल जिंदगी जो सर्कल है ढीह जो सर्कल है वो गुजारण में तकलीफ थी रही होंगी स्टेप्स चढ़ में तकलीफ थी रही होंगी उ लथार्जिक फील कर रहा हूँ
उन ही जगह से वरी असके वो मानू जो फिजिकली लगन है तो अच्छा ही तो ढो मोटापे शिकार है इनका तो कम नो वो कई गुना परफॉर्म कर रो है। सो आई गेस यहाँ भी तहां के पान के छो तो इंसान की ठीक है असा वा खोड़ सारा डॉक्टर्स आज असके जहर गाइड कन था बट आई गेस तक फिटनेस है वो तहां का नो समझी सके वेन यू फील यू आर फिट तो इन जो मतलब है तो फिट आयो। हाँ ठीक है कुछ शूं अड़ी होंदियों जिन के बारे में तक अवेयरनेस की जरूरत पवी है पर अदरवाइज पैंजी बॉडी के पैंजे पान के इंसान के पान भी असिस्ट करन खपे या प्रैक्टिस भी असा वट कोने असके कुछ भी थन्द है तो असा फॉरन डॉक्टर्स की तरफ हलिया वेंदा आयूं बिल्कुल डॉक्टर की दुकान बंद कर वाली बंद कर की गाल न करी आ बट एटलीस्ट इंसान के पहले पान के असिस्ट करन चन खपे ई है डॉक्टर। हां बिल्कुल उनके संदे पान के ट्यून अप करन खपे उनको समझन खपे तो जेकर उनकी फिजिकल एक्टिविटी घटजे पई माने एस कंपेयर टू नॉर्मल मानू जो हो जेकर 10 स्टेप्स चढ़ी तो उन्हें जल्दी है जेकर बो मानू न भी चढ़ी सके तो उनको कारण छ है तो संदे पान के जेको है डेली जेको है मतलब बुनियाद या मतलब वीकली बुनियाद जरूर चेक करे हुन जो कारण किते सिर्फ फिजिकल फिटनेस तक कोने जेकने फिजिकल फिटनेस है तो बिल्कुल उनके जेको है फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने खपे अस कई पेशेंट इंदा जेके शुगर जा जेके मतलब हाई शुगर सा भी इंदा जैसे असि सिंपल हिस्ट्री वटना खबर पवी तो उन्होंने जो डाइट जो स्टाइल सही ना उन्हें लाइफ स्टाइल ना तो जरूरी ना तो असि उनके फौरी तौर पर ट्रीटमेंट दियो उन्होंने पैर समझाए पो तो जेके तमाम में जेके मतलब ये डाइट वाला फैक्टर जेके तमाम में जेके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वाला फैक्टर ता ओए तो दूर कयो जेके ओए दूर न कंदा पो भले से केडी ट्रीटमेंट दियो तो ओए मना कम न कंदियो ओए वर्क न कंदियो प्रॉपर्ली तो सब का पेरी बिल्कुल ना सही बा चो तो जेको डाइट जेको है मतलब केयरफुल वठन खबे भले टे टाइम मानी खान खबे पर उने में को तरीको थिंदो ना टे टाइम में मुराद जेको ने जेको है फिर में कडी पूरो जूस जो जेको है माना जग पे पियन उने का सुठो सबु जो का भी घर जी जेका है कणके जी मानी ठेल है वो एकडी माना सिंपल खाई छे काफी गोठन में असन ब्रेड कोंदी मिले ठीक है मंझन जो जो है मतलब बाउल जो ग्रीन सैलेड जो है वो खाई छे चपाती माना जो डाइट जो पैटर्न है वो चेंज होने खपे इंस्टेड ऑफ जो कढ़ाई जो फूड थन था या जंक फूड थन था जो पे अस शोरे शोरे में जो भाजी ठंदी हुई उनमें कैलरीज घटन सही तो वो भले मतलब इस्तेमाल कन तो जो है डाइट जो जो है स्टाइल थोड़ा चेंज होने खपे तो जैसे असं पेशेंट के टाइम से समझाइंदा तो ही जो डाइट पैटर्न होने खपे वरना तो जैसे पेशेंट के कुछ पेशेंट अड़ा हूँ जिन वेचारे के नई नई शुगर थी पो तो डुडी वा तो माना एतो डुडी वा वो समझा तो शायद हाँ अस खाधो खाण को पवो तो अद तो डिप्रेशन में उन्हें अची वा नली पर जैसे उन्होंने विहारे उन काउंसलिंग कबी आज खुद उनको डाइट पैटर्न पुछ पो तो मतलब वो काफी जेके विदाउट ट्रीटमेंट सही थी ना जेके उने इंस्ट्रक्शन के फॉलो करना माना डाइट मॉडिफिकेशन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बिल्कुल ऐ हुआ भी डायबिटीज के तो हाँ डिजीज का वधी के एक लाइफ कंडीशन सडियो इंदो आहे तो उनके उनही तरीके सा अगर ट्रीट किया वने तो छो ना कंट्रोल में इंदी बिल्कुल अदरवाइज से जी ता चो तो ता जितनी भी मेडिसिंस ता वठी वटो पर अगर ता अपन लाइफ स्टाइल चेंज न था के उनही लाइफ स्टाइल ते तो ता ते उए इंसुलिनस उए हेवी जेके डोज मेडिसिंस आयन उए वो ना तरीके सा असर थियो कन बिल्कुल। अच्छा जी कमिंग टुवर्ड्स लीगल सोसाइटी ता जी तरफ अचन चाहिन मा हुमा साहिबा ही थोड़ो सो जान चाहिया थी असा थोड़ी देर पहली गाल की असा वट उए कॉल्स जेके मोस्ट ऑफ द टाइम के एडियो प्रॉपर्टी जो कॉल्स होंदू आन या हैरेसमेंट जो कॉल्स होंदू आन जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड इशूज की तरफ अचूँ था असा वट एक बुधो भी वो चो भी वो है ठीक है शहर में काफ़ी हद ते असा के थोड़ी घड़ी अवेयरनेस मिली रही है बट उन अज भी असा वट उ मानू आन या उसो औरतू आन जिनके उन हकूक पूरी तरीके से न मिलना चाहे वो तुम अर्बन सिटीज की गाल या रूरल एरियाज की गाल तक कॉल्स रिसीव थन्दून उनमें अड़ी शूं जो सामू इंदू आन किथे असाजा जो आम मानू आन किथे स्टक बेसिकली थी रहा बेसिकली अगर गाल कजे तो जी पैरियाँ हो दौर उन थोड़ो मतलब हाँ अजकल जो माहौल बेहतर आ मायूं समझा थी छो तो जी अस कॉल्स रिसीव थन्दून डेली उनमें प्रॉपर्टीज जहाँ भी मैटर्स हूँ अक्सर लेडीज जो है उन्हें पैरियाँ तो अवेयरनेस बिल्कुल होंगी न हुई लेकिन हाँ ग्रेजुअली जो है अवेयरनेस अचे थी पी लेडीज में उ समझन थी कि उन्हें लीगल राइट्स एक्चुअली वुमेंस जहा तो इनमें यो मतलब बुधाइन तेके केसिस अस रिसीव थन्दून में शिकायत यू कन्दून औरतू कि असो भायर या फादर असो हिस्सों न था दियन खास कर जैसे फादर की डेथ थी वे या पेरेंट्स की डेथ थी वे उन्हें कोई प्रॉपर्टी आ
स्टेट आ उन्हनि जी त लीगल हेयर्स में इक्वली मतलब एज पर शरीयन लॉ उहो डिस्ट्रीब्यूट थियणु खपे. लेकिन मोस्टली जिते सम्झो वेंदो आहे न की अहिड़ा एरियाज़ आहिनि जिते एजुकेशन जी कमी आहे, त उते अक्सर इहो फेस थी मतलबु कंदियूं आहिनि लेडीज़. सही. त उन्हनि खे हिसो नाहे मिलंदो प्रॉपर्टी में, उन्हनि खे मतलबु अहिड़ो प्लेटफॉर्म ख़बर नाहे त किथे वञी करे आवाज़ करणु. अक्सर लेडीज़ खे शुरू में त ईअं थींदो हुयो की लेडीज़ खे शुरू में ई सम्झायो वेंदो की तव्हांजो कोई हिसो नाहे, तव्हांजी शादी कराए छॾी आहे, बस उन खां पोइ शादी खां पोइ जेको बि आहे तव्हांजो हस्बैंड आहे. पोइ उहो ईअं सम्झंदी हुई इमोशनली बि कुझु लेडीज़ असांजो अगरि ॻाल्हि कजे त ईअं थींदियूं आहिनि त न भाइर आहिनि छॾे ॾियूं असां जेको आहे हाणे जेको बि वरितो ॾाजे में उहो असां खणी आयासीं. अक्सर ईअं बि करे छॾियूं आहिनि. लेकिन अलहमदिल्ला हाणे इहो आहे की अवेयरनेस अचे थी पई अंदरि ऐं उन खां अलावा केसिस उहे फाइल करे सघनि थियूं, कोर्ट में वञी सघनि थियूं. अच्छा, मज़ीद इन जे काफ़ी सारा ॿिया एस्पेक्ट्स आहिनि, उन ते बि मूंखे ॻाल्हाइणो आहे. कुझु हिकिड़ो मूंखे रिपोर्ट बि यादि अची रही आहे, मूंखे न्यूज़ बि यादि अची रही आहे, थोरो उन जे बारे में बि ॻाल्हाईंदासीं. पर जल्दी सां ब्रेक वठिणो आहे, टाइम थियो आहे ब्रेक जो. तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन ब्रेक खां पोइ. वेलकम बैक जी. अच्छा जी, कुझु ॻाल्हियूं जेके ब्रेक ते वञण खां पहिरीं किथे असां अधूरी छॾी हुयूं, थोरो सो मां उन्हनि खे वराए सां अॻियां वधाइणु चाहियां थी. हिकु न्यूज़ खां मां अहिड़ी पढ़ी त हाणे पहिरीं त इहो मां तव्हां ॿिन्ही खे ॼाणणु चाहींदमि छा आहे कानूननि ते छा थो चवे त आफ्टर जेको डिवोर्स आहे उन खां पोइ जेका तव्हांजी जे हस्बैंड जी प्रॉपर्टी आहे, किथे मां न्यूज़ पढ़ी त हाणे उन में बि आफ्टर डिवोर्स बि उन में जेका वाइफ आहे उनजो को हिसो हूंदो, कुझु ईअं आहे का अहिड़ी का मां न्यूज़ पढ़ी हुई, छा आहे छा मां तमामु पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधाइणु चाहियां थी. महविश, इन हवाले सां अगरि ॻाल्हि कजे त अहिड़ो कुझु यानी कि फ़िलहालु अमेंड त नाहे थियो केरु आफ्टर यानी कि डाइवोर्स जेको आहे प्रॉपर्टी में पहिरियां ॻाल्हि त हिसो क्लेम करे नथी सघे कोई बि नथो, लीगल हेयर कोई बि नथो करे सघे. जो जेके फीमेल जा राइट्स आहिनि उन में असां ॻाल्हि कयूं, उनजी मेंटेनेंस थी वई, नान नफ़को थी वियो, उनजा डावरी मतलबु डावर अमाउंट थी वियो, हक़ महर, इहो उनजो लीगल मतलबु आहे, राइट आहे जेको क्लेम करे सघे थी. मेंटेनेंस, डावर अमाउंट या ब्राइडल गिफ्ट या उनखे जेके शादी में गिफ्ट्स वग़ैरह मिलनि था त उहा प्रॉपर्टी क्लेम करे सघे थी. बाक़ी जेको प्रॉपर्टी हस्बैंड जी प्रॉपर्टी में जेको हिसो आहे उहो आफ्टर डाइवोर्स या बिफोर डाइवोर्स उहो उन में इंटाइटल नाहे हिकिड़ी फीमेल. तव्हांखे छा थो लॻे त हीअ जेको न्यूज़ अॼुकल्ह अचनि पियूं छा उन ते वाक़ई अमेंडमेंट थींदी इन अगरि इन तरह की जेका शइ अगरि असांजे साम्हूं आई त? अगरि ॻाल्हि कजे मां हिकिड़ी पंहिंजी जनरल ओपिनियन थी ॾियां त ईअं थियणु खपे, छो जो अगरि अहिड़ी कोई न्यूज़ आई आहे जीअं त उन हवाले सां अमेंडमेंट ज़रूरु थियणु खपे इन मामले में, छो जो लेडीज़ इलाही शयूं फेस थियूं करनि. डाइवोर्स छो थी थिए माण्हुनि उन्हनि जे स्पाउसिस जे विच में डाइवोर्स छो थी थिए, हिकिड़े हद ताईं कोई रिश्तो ख़राबु थो थिए कंहिं न कंहिं वजह जे करे, त उहो ॾिठो वञे कि उन में कंहिंजी ग़लती आहे. ऐं मोस्टली फीमेल्स जेके डोमेस्टिक वायलेंस जो शिकार आहिनि या वरी डोमेस्टिक वायलेंस में ज़रूरी नाहे कि फिज़िकल टॉर्चर थी वियो, उन में तव्हां अगरि ॾिसो त इकोनॉमिकल अब्यूज़ बि थी थो वञे जंहिंमें मेंटेनेंस नथो पे करे हस्बैंड, या वरी जेको आहे सो मेंटल टॉर्चर. इलाही अहिड़ा यानी कि आहिनि फैमिलीज़ जेके औरतूं जेके आहिनि इहो बि शिकार आहिनि मेंटली कि उनजो हस्बैंड किथे वञे थो पियो या कंहिंसां यानी ॻाल्हाए थो पियो, त इहो हिकिड़ो मेंटल टॉर्चर ई आहे. त इन में जेको आहे न डोमेस्टिक वायलेंस शिकार थी करे लेडीज़ हिकिड़े हद ताईं डाइवोर्स अची थी थी वञे, उन में उन पॉइंट ते पुॼी था वञनि त डाइवोर्स थी थी वञे. ऐं अहिड़ी अगरि न्यूज़ आई आहे त मां सम्झां थी कि उन में अमेंडमेंट ज़रूरु थियणु खपे त आफ्टर डाइवोर्स हिकिड़ी फीमेल खे एतिरी प्रोटेक्शन मिले कि उनखे कुझु न कुझु हिसो प्रॉपर्टी में अगरि इन वञे जस्ट लाइक एलिमनी थी वियो त इन जो हिकिड़ो बहितर यानी कि इम्पैक्ट थींदो. सही. तव्हांखे छा थो लॻे इन जे बारे में, तव्हां छा था सम्झो? मुंहिंजो इहो पर्सनल हिकिड़ो ओपिनियन हूंदो त अगरि हस्बैंड डाइवोर्स थो ॾिए त पोइ त बिल्कुलु उनखे थियणु खपे, पर काफ़ी सूरतनि में इहो बि थींदी आहे त जेका वाइफ हूंदी आहे उहा खुला वठी वठंदी आहे. त हाणे काफ़ी केसिस अहिड़ा बि ईंदा आहिनि जंहिंमें फॉर एग्ज़ाम्पल ॾिसो मर्द ऐं औरत जो जेको इज़्दवाजी जी ज़िंदगी जो जेको रिश्तो आहे
वो बिन्हीं तरफ बराबर होजन खपे ये ना है जो मर्द जा वधिक हकूक होजन खपन तो औरत जा न होजन खपन हालांकि असांजी जो का है वो माना कानून है शरीयत के मुताबिक जेके कानून ठयल है हियर भी वे भी सुठा ठयल है अच्छा इन्हीं में एकड़ी सुठी डाटी लेजिस्लेशन ठयल है वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 2020 जो उन्हीं में यो है तो उन्हीं में वरी वफाकी मौसम में वो केस वेंदो आ वो माई वेंदी आ जेका उनके प्रॉपर्टी नथी मिले नहीं होता हूं हासिल करे सके थी बल यह एक सुठी लेजिस्लेशन है ये जेके लेजिस्लेचर एंड कानून साज असेंबली वारा वो इन बेहतर कर सकता मुझे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये हों अगर ये थिए तो जी अदी चो तो ढो सुो यो तो जी ऐसो असो मुआशरो अड़ो अगर जो एक डायवोर्स याफ्ता तलाक याफ्ता जो औरत होंगी ना उन्हीं के असो मुआशरो ढो एक हकारत वाली नजर से ऐसा तो उन्हीं हिसाब से जो उन्हीं प्रोटेक्शन के लिए उन्हीं को अगर औलाद है या उनकी पांजे जियापे के लिए जिंदगी के जियापे के लिए जरूरी है तो कुछ जरूर होजन खपे कुछ प्रॉपर्टी मुड़स जी असे में मिलन खपस मिलन खपे ताजी वो पांजी जिंदगी जी सके बेहतर बिकॉज़ हते असा वट काफी जगह ते एक वडो नंबर आहे जेके असा वट डिवोर्सस थिंदियो आहेन उन जे पोया कॉज सेकंड मैरिजेस भी होंदियो आहेन सो असा वट यो मसलो भी आहे प्लस ताजो तो अगर वाइफ खुला वठे तो पोया कंडीशन न होजन खपे पर असा वट जेको डोमेस्टिक अब्यूज थिंदो आहे उन में मोस्ट ऑफ द टाइम यो ही होंदो आहे तो हस्बैंड कदे भी डिवोर्स देन दे ला रेडी न होंदो आहे बिकॉज उनके वही ट्रैक उन ही ट्रैक से जिंदगी हलाइनी होंगी है उन कंडीशन में ऑब्वियसली फीमेल है वह खुला ही तरफ वेंदी है उन प्रोसीजर की तरफ वेंदी है सो आई गेस काफ़ी सारी अड़ी शन जे एक्ट अगर यो अची तो वे यो सुे अगर अस कानून के उन पेजेस से गुड मिले तो आई गेस काफ़ी सारी उ शन जे हरूभरू जो डाइवोर्सिस नज़र अचन थी तो फला अच्छा जी एक बो वरी असो कॉमनली है अच्छा जी अगर धी जो औलाद है तो सैकेंड मैरिज करनी है या बी का अगर तक पसंद अची वे हालांकि शरीयत बेशक इजाजत दिए थी पर उन भी कंडीशंस तक सेकंड मैरिज करनी है थर्ड मैरिज करनी है तो डिवोर्स भी था फर्स्ट वाइफ के सो काफ़ी सारी शूँ अगर सेकंड मैरिज होंगी उन्हीं बाकायदे पाकिस्तान पेनल कोड जो है उन्हीं में तो फर्स्ट वाइफ का परमिशन वी बायदे इजाजत वी तो बी शादी क्या तो शरीयत के मुताबिक भी अगर तट एतरी सलाहियत है जो पेरी वाइफ जहाँ सब शरह या कानूनी हकूक पूरा कर सको था तो बी शादी यो भी आई गेस कुछ साल पेरी ही बिल्कुल बिल्कुल थियो बिल्कुल अगर ये ना है तो तांके आई गेस जेल भी थी दी बिल्कुल बिल्कुल इन ते एक अमाउंट है जेको देणो पड़ो बिल्कुल सो अच्छा ये असा डाडो डीप में इन गालन जे बट वक्त जी जरूरत आ इन ही गालियों बिकॉज़ असा वट जेको डिवोर्स रेशियो आए हा दुनिया में इलाही सारो वडो रेशियो हुंदो बट मां जे कल्चर का बिलोंग कयां थी जे कंट्री का बिलोंग कयां थी उन में इतरो डिवोर्स रेशियो न हो को अज असा के नजर अची रो है खैर जी डॉक्टर साहब ताँ तरफ इंदम जी असा के डिवोर्स घनी नजर पे अची असा के डायबिटीज भी घनी नजर पे अचे अच्छा एक अस चाहता हूँ असानी जी जमीन है पाकिस्तान की वह हरी भरी है वो बरकत है उनमें हर शे में बरकत है बीमारियों में भी बरकत है पोलियो अज तक असा जान को छदाय सको है या असा पोलियो को जान को छदाय सको है दैन खोड़ सारी उ शूँ जो शायद मुआरे में न होजन खपन असा उन हिस्सो आयो शन के मिसयूज कर में असा नंबर वन आयो पर उन गदो गद वो अस टेक्नोलॉजी जो सुनो इस्तेमाल भी क्यों था जैसे टेक्नोलॉजी गाल थे थी एडवांसमेंट की गाल थे थी मां थोड़ा सा मेडिकल जो प्रोसीजर्स हैं उन्हें जी तरफ वजन चाहिए मैं डिसन चाहिंदम तहां जी स्पेसिफिकली तहां जी फील्ड में कितनी एडवांसमेंट आ है जो अची रही है केतरी उ एडवांसमेंट है जो अना अस अगर दिसंदासी ॾिसो मुंहिंजो त वास्तो डायबिटीज़ ऐं एंडोक्राइन्स आहे त उन में एडवांस त सिंपली इहो आहे त ॾिसो जीअं शुगर आहे उन लाइ ग्लूकोमीटर जेके मौजूदु आहिनि उहे माण्हू जेके चाहिनि था त भई असां माना जेकॾहिं शुगर चेक कयूं था त उन सां इहो थो थिए त असांखे मतिलबु पेन थिए थो या हुननि खे जेको आहे निडिल फोबिया आहे त उन्हनि जे लाइ वरी आसानी इहा अची वई आहे त अॼुकल्ह जेके कई अहिड़ियूं शयूं अची वियूं आहिनि जेके असीं ॿाह में मतिलबु हणी छॾंदा आहियूं ठीकु आहे त जीअं जेको आहे लिबरा जो हिकिड़ो पेच अची वियो आहे त माना उन में जेकॾहिं लॻो पियो हूंदो त 14 ॾींहनि ताईं तव्हां पाण जेको आहे माना शुगर जीअं जस्ट लाइक मोबाइल हूंदो आहे ईअं हिकिड़ो मतिलबु एपरेटस हुनजो हूंदो आहे तव्हां उन्हनि में शुगर जेॾी महिल चाहियो तव्हां चेक करे सघो था त इहो एडवांस आहे उहे ॿार जेके टाइप 1 जा आहिनि जिनके सिर्फ़ असांखे इंसुलिन ॾियणी हूंदी आहे ॾिसो डायबिटीज़ जनरली त कई क़िस्मनि जी आहे ऐं सिंपल ॿुधाईंदुसि हिन प्लेटफॉर्म ते त ॿिनि क़िस्मनि जी आहे हिकिड़ी आहे टाइप 1 जंहिंमें सिर्फ़ु असांखे इंसुलिन ॾियणी हूंदी आहे उनमें असां मेडिसन्स कोन ॾींदा आहियूं टेबलेट्स कोन ॾींदा आहियूं गोरियूं कोन ॾींदा आहियूं ठीकु आहे ॿी हूंदी आहे टाइप 2 जेका टाइप 2 हूंदो आहे उनमें असीं टेबलेट्स बि ॾींदा आहियूं ऐं इंसुलिन बि ॾींदा आहियूं त उहे ॿार जेके मतिलबु नंढा आहिनि 2 सालनि जा आहिनि 4 सालनि जा 8 सालनि जा आहिनि उहे बार बार इंसुलिन नथा हणी सघनि ठीकु आहे बार बार शुगर नथा चेक करे सघनि त असां वटि ऑटोमेटिक पंप मौजूदु आहिनि
जस्ट लाइक मोबाइल जो मतलब एप हों वो माना इतने पो हों बेल्ट में या अंदर जो बार आदमी मिसाल तौर पर शर्ट में पो हों तो वो ऑटोमेटिक इंसुलिन अंदर वी पी है ऑटोमेटिक शुगर भी चेक थी पी है तो मतलब उप असा डायबिटीज जहाँ मौजूद है ठीक है। हाँ अचो तो जो वो मोटापे के हवाले से तो वो सिंपल अस हाँ मशीनू अची व्यून तो जे जिनके असि बीसी चंदा बॉडी कंपोजिशन एनालाइज जो बुधाइंदन तो जी तुझे हाइट के हिसाब से तुम वजन केतो होने खे जो तुम वजन है कड़ो फेट है ये को नेचुरली तक है मतलब मसल्स अस पाकिस्तान में कई अड़ी कौमून जिनको नेचुरली मसल मास हों फेट घट हों ठीक है ना तो अस पे मिनट बुधाइन तो इनको फेट मतलब एतो है इंटरनल फेट एतो आ मसल्स एतो आ वाटर की परसेंटेज एतरी आज बी एम आई जो लफ्ज इस्तेमाल किया माना बी एम आई एतो आतो घट हो ऑटोमेटिक वे बुधाइन तो तुम पंज किलो वजन अठ किलो है तो यह मतलब जो है एडवांस टिन महीने की शुगर भी अची वही है जी ना पे तो अस माना पेशेंट काफ़ी इंदा तो सुबह जो टेबलेट्स वी इंसुलिन वी इंदा तो जी अस क्लिनिक अची बुझाई शुगर कंट्रोल में पर अंग्रेजन अड़ी टेस्ट कड़ी है जो पोया तुम टिन महीने जो रिकॉर्ड सामू अची वो खबर पवी आई अज तो शुगर कंट्रोल थी बिल्कुल ठीक है टे महीना पे तो जो उनकी मतलब तो शुगर मन आउट ऑफ कंट्रोल हले पी स्पेशली हस्बैंड हमारी वाइफ से गड इंदा तो मतलब उनके डप का शायद तो मन ओवरडोज वी इंदा तो अस खबर पे चोरी पकड़ी सही। अच्छा एक बी शे तो फैट की गाल कही तो मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ डिफरेंट अजकल प्रोसीजर्स भी अची वन जो शायद नैचुरल प्रोसीजर्स ना उनमें फैट जो वे रिडक्शन प्रोसीजर्स भी उनमें कुछ अड़ा प्रोसीजर्स भी जैमें ऑपरेशंस भी इन्वॉल्व थियन था जैमें ऑपरेट भी कन था कुछ अड़ा ट्रीटमेंट्स जो लेजर के थ्रू थी रहा ये ट्रीटमेंट्स भी ये ट्रीटमेंट्स तहजे उन हेल्दी मतलब तुम साल खाए पी आराम से फैट के पैंजी बॉडी में जगह दिए चो उनका पुता कट फैट कट डाउन करे छो यो प्रोसीजर इनके के था रिसो दिसो जका शी ताजी नेचुरल जका शी है ना वो नेचुरल नेचुरली रहंदी जैसे तुम समझो तो मन खाई पी वजन बढ़ाए मोटापो करे वही जो मतलब प्रोसीजर कराइंद सर्जिकल प्रोसीजर कराइंद वो नेचुरल को रहन उन्हें भी डाइट केयर करनी है उन्हें भी उनको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो जैसे तक यही शे करनी है जो पा शुरू का डिस्कस पा क्यों तो भाई डाइट केयर ए फिजिकल एक्टिविटी तो छो मतलब इन सर्जिकल प्रोसीजर्स ना सोचो छो था तो जैमें तक माना जो नेचुरल गैस्ट्रिक बायपास थे जो उनमें तुझी पूरा पेट तुझे माना कटजे सर्जिकली ठीक है वह शे नेचुरल को रही ना फ्रॉम कॉस्मेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो वो सुठो को लगो एक गो लेजर प्रोसीजर वगैरह एतरा अफेक्टिव ना हाँ हिंसर एडवांसमेंट जरूर आई है तो जो मतलब केर हाँ जो यूएसए या यूरोप में तो वो दह बारह साल पे हुई कुछ मेडिसन्स अड़ी अची वी हाँ हाँ पाकिस्तान में बे थियन तो कुछ मतलब अस इंजेक्शन अची वन जो हफ्ते में दफो दूँ था ठीक है तो उन्हें सा मतलब जैसे वरी आऊँ बुधाया पो तो जैसे केर डाइट केयर करे तो जैसे फिजिकल एक्टिविटी करे तो सपोज डाइट केयर से जैसे 33% वजन लो 33% फिजिकल एक्टिविटी से लो तो हाँ यो जरूर है तो 34% जो वेट रिडक्शन वाली मेडिसिन अची वही है लेटेस्ट पेरी भी हुई पर अस पाकिस्तान में ढी कॉस्टली हो हाँ हाँ यो तो भाई 4-5 हज़ार महीनो जैसे वो खर्च कह ठीक है तो उन्हें सा वजन लहन में वही हेल्प मिले थी एडवांस जो पुछो तो ये मन मेडिसिन जी लाजमी FDA अप्रूवल फेडरल ड्रग एजेंसी ऑफ अमेरिका लाजमी एज ए क्वालिफाइड डॉक्टर्स हाउ वी कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिंस न वो असान ते पहुंचते पहुंचते पो रास्ता ब्या भी न न न ये न दसो वो तो असान जी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ था जिन अप्रूवल देनी है ए वे मेडिसिंस दुनिया में पेरी इस्तेमाल थन पयो हां जे के मल्टीनेशनल लेवल प्रिस्क्रिप्शन जे तो किथे भी कोन तो चयो वने डॉक्टर साहब तो ता मेडिसिन वठो ए ता जिन मेडिसिन सी गाल कह रहे हो अगर वो वेट रिडक्शन मेडिसिन ना हन तो ऑब्वियसली उन जा साइड इफेक्ट्स भी हुंदा उन जहाँ डिफरेंट इफेक्ट्स तुझे बॉडी से भी होंगे तो अस एक अड़ी कॉमन प्रैक्टिस है अस फला फला जो एड दिसा आयो सोशल मीडिया जो दौर आ किथे असा के एड नजर अची वो असि स्मल स्लिम स्मार्ट अस मॉडल्स नजर अची वह तो अस समझू था असा बस इं ही दवाई है जो असल्प करे थी बिना उन बारे में रिसर्च किए बिना प्रिस्क्रिप
प्रिस्क्रिप्शन जे असा वो मेडिसिन वठन शुरू था करे छियो ताकि न तो किथे यो नुकसान है असा जे ला नहीं दसो जेकने विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जेकने वठन ता ई जी सोशल मीडिया जमानो आ या एड जे थ्रू वठन ता तो मु ताके बुधायो तो वो तो 100% नुकसान दा है बाकी जेकने को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो जे मु ताके बुधायो तो असा तो मन जेको दसना से ना मन हुन जो बया कॉम्प्लिकेशंस केड़ा तो आया मन के देई सके थी या नथी दे सके पर जेकने एज ए डॉक्टर जेकने प्रिस्क्राइब कंदो तो वो लाजमी है ये जेके साइड इफेक्ट जेके हैं वो आउटवेट करे पो दिदो सही मुझे नजर में जेको मोटापो आ वो 100% बीमारी है ठीक है मुझे खबर आ वो 5 साल का पो जेको वही मतलब तो जेको डायबिटीज डेवलप कंदो नी जॉइंट कंदो हार्ट जा प्रॉब्लम या सब जेके मोटापे जे करे डायबिटीज डेवलप कंदो पर जेकने हु सब जेके पैरामीटर्स पान डिस्कस किया वरी बार बार अचे दो डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बार बार छन ट्रीटमेंट या पो उनन मानु के जेके या मेडिसिन दिजे तो उनन के बाकायदा वजन घटकन में मदद भी मिलती एंड जेके आउटवेट करे जेके फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस थेना ठीक है तो उनन में हेल्प मिलती ना तो उन यो मतलब तो हन दवा जो जेकने सिलेक्शन ऑफ पेशेंट सही हो जे तो फायदो आ नुकसान ना है बाकी जे एड वारा ही बेटो ता खबर आ फ्रॉड हो जंदा उनन में तो मन दवा लाजमी नुकसान ही दी हां अच्छा जैसे फ्रॉड जी गाल थी तो वरी सही कानून याद अचे तो ही है वकील साहब अच्छा जिते सा कुछ देर पहली वैसा गाल कह रहे सी डिफरेंशिएशन आई एम श्योर त जितरन सारन का माशाल्लाह सा लीगल सोसाइटी डाड़ो कामयाबी सा माहन जा मसाइल हल कर रही है आहिस्ता आहिस्ता सने तमाम माहन जी तरफ ही रुजू कर रही है तमाम माहन हनन सा रुजू कर रहे हैं हते एक डाड़ी कॉमन प्रैक्टिस सा के नजर इंदी है जे थोड़ी देर पहली वैसा गाल के सा हैरेसमेंट जी गाल के डाड़ी कॉमन प्रैक्टिस आए जेका हर जगह ते असा के नजर इंदी है न सिर्फ असा के घर में असांके ऑफिसेस में असांके स्कूल कॉलेजेस में असांके हर जगह ते कें भी एजुकेशनल जगह से ऐसे उत नजर इंदी है थोड़ो सो इन के बारे में गल चाहें थी तक लगे तो मसायल है इन वट इन से रिलेटेड अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए स्पेसिफिकली सिंधी असेंबली में जो है एक्ट पास थियल है प्रिवेंशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट्स ठीक है ना कॉर्पोरल पनिश 2016 जो उन्हीं में मुराद यो है तो वो टीचर जेको मेंटली तरीके से या फिजिकली तरीके से कें शागिर्द के स्टूडेंट के अगर जो टॉर्चर करे तो या पनिश करे तो उन्हीं के जेको है वो उत्ते ही उन्हीं लॉ के मुताबिक ही उन्हीं इदारे में एकड़ी कमेटी जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी चवंदा उहा ठाही वेंदी उन्हीं सा मीनवाइल जो है वो उन्हीं में जेके उते जे हेडमास्टर या प्रिंसिपल वो एकड़ो गार्जियन होंदो बियो को उते जे जो है वो माना मेंबर होंदो जेको उन्हें कमेटी के जे फॉर एग्जांपल के एकड़ो पेरेंट आहे उन्हीं जे पुट के या धीए के या स्टूडेंट के अगर जेके टीचर बीट कयो आ या मेंटली इवन मेंटली भी अगर टॉर्चर कयो आ तो माना उनसा अगर डिग्रेड कयो अथस या कुछ तो उन्हीं में भी कंप्लेन फाइल थी सके थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए यो है मीनवाइल जेके उहे वर्क प्लेसेस आहिन उन्हीं ते लाए उन्हीं के लिए वरी 2010 जो हेरासमेंट जो एक्ट है वो तमाम बेहतरीन एक्ट है जो ओवरऑल हर वर्क प्लेस से इवन दो अगर जे फॉर एग्जांपल को जिमखाना आहे या का एडो को क्लब आहे कुछ भी आहे तो उन्हीं ते भी वो अप्लाई थिए तो उन्हीं ते उवे औरतू आहेन जिनन के फॉर एग्जांपल उनन जो सीनियर आहे या जूनियर आहे जो कोई भी आहे उनन के भी किस्म जो हैरेसमेंट जो अगर जे फेस करनो तो पवे तो उत्ते भी हैरेसमेंट कमेटीज आहेन तो हु उते पे जो को है वो मना अप्लाई करे सकन थियो ठीक है ये न सिर्फ असन जे उनन विक्टिम से ला बल्कि मुझे ख्याल में सने ऑर्गेनाइजेशन से ला भी डाडो जरूरी है तो सिर्फ पेपर वर्क न हो जे एक्चुअल में कम्युनिटीज हो जे एक्चुअल न ते कम थिंदो हो जे एक्चुअली उन ते जे के कंप्लेंट्स आइन रजिस्टर थिंदी हो जन वक्त या ब्रेक जो ब्रेक की तरफ हलु ता वापस अची कुछ म्यू गाली शामिल करियो पर ता मुलाकात थी दी ने शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का पोए जी वेलकम बैक अच्छा जी जिते हैरेसमेंट की गाल थी रही है जी थोड़ी देर पहले भी चाहिए तो जिते सारी ऑर्गेनाइजेशंस उन न सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में बट एक्चुअली प्रैक्टिकली तहे कॉर्नर्स जो दियन खपन असने तमाम न सिर्फ खवातीन के इवन असाए जो मर्द हजरात हैं अगर उ भी शिकार थियन तो उन लाए भी तक एक अड़ो कॉर्नर जरूर हुजन खपे जो तहे मसलन के हल करे यो हर इदारे जो एक कानूनी एक डिमांड भी है तो हर इदारे
में अड़ो कॉर्नर जरूर होजन खपे। अस जैसे हैरेसमेंट की गाल थे थी तो अस जहर हर शेरी डेफिनेशन अलग है। अस जैसे अब्यूज की गाल अब्यूज की अलग अलग डेफिनेशन है अलग अलग शेरी जैसे हैरेसमेंट की गाल थे थी मैं थोड़ा सा उन्हें डेफिनेशन की तरफ भी वन चाहें थी बिकॉज हर मानू के दिमाग में हैरेसमेंट जो है उन डेफिनेशन पी होंगी तहां का पुछन चाहम तट कड़ी कॉल्स रिसीव थन्दे कॉमनली कड़ा टाइप्स हैरेसमेंट जो असि खवतन या असा मर्द हजरात वे फेस कर रहा है। महविश अस कॉल्स रिसीव थन्दन खास कर वर्क प्लेस हरासमेंट की अगर मैं गाल क्या तो एक कॉमन इशू थी रो है इलाही इदारा जिते मतलब हर प्रोफेशन से रिलेटेड जी बैंक में थी वो या कें इंस्टिट्यूशन में थी वो कें हॉस्पिटल में थी वो जिते किथे यानी कि इम्प्लॉइज हर इदारे में कम करे रहा तो इन जे हवाले से उहे वर्क प्लेस हरासमेंट भी फेस कंदा हैं। वर्क प्लेस हरासमेंट जे हवाले से एकड़ो कानून पास थियो है सिंध असेंबली जे तरफा के प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस एक्ट 2010 जो कानून है। इन में वर्ड वुमेन यूज थियो है लेकिन अगर गाल कजे तो कंप्लेनेंट केयर थी सके तो तो उन में फीमेल एंड मेल बई अची सकन था मतलब कंप्लेनेंट कोई भी थी सके तो अड़ी तरह जो हरासमेंट फेस कंदा वर्क प्लेस से जो वर्बल थी वही रिटन थी वही रिटन समत मुराद के तहां के सीनियर खा या मैनेजर या सुपीरियर अथॉरिटी है जो तहां यानी कि मथी पोजिशन थे उन कोई तुम कुलीग थी वो तट कम कर रो है सेम पोजिशन से तुम कोई इनएप्रोप्रिएट कोई मैसेज रिसीव था क्यों कोई वीडियोस या कोई अड़ी शे रिसीव था क्यों उनके चेजो तो रिटन हरासमेंट थी वही कड़ी या वर्बली कोई अड़ो लफ्ज उन्हें चई छो जो इनएप्रोप्रिएट हो जे या उन अलावा विजुअल अस गाल क्यों विजुअल कें स्टेयरिंग खड़ी यानी कें दिसण घूरे करे एकड़े तरीके से अगर कोई फीमेल कम कर रही है या मेल कम कर रो है पाँच कम से कम उन मतलब रखे दो अगर कोई कुली या कोई अड़े तरीके से ऐसे तो जो इनएप्रोप्रिएट है या गलत आ उन नजरिए से डो वे तो यो भी विजुअल हरासमेंट थी वही सही। बाकी फिजिकल हरासमेंट तो खबर मतलब टच करण तो यो एक मतलब गाल डेफिनेशन थी सेक्सुअल हरासमेंट की इं ही सेक्सुअल हरासमेंट का अलावा इन जे अंदर इन कानून के अंदर एक बी शे डिस्क्राइब थे कि जे मतलब मेंटल टॉर्चर फॉर एग्जाम्पल पोजिशन के हवाले से या वरी इम्प्लॉय के दबाए या प्रेशर दियण कम जो तो यो भी एकड़ो हरासमेंट जी डेफिनेशन है उनकी भी कंप्लेन थी सके दी यानी के प्रेशर दियण तो घणो कम यानी बुधाए छण या उन्हनि जे जेके राइट्स आहिन एज एन इम्प्लॉय उन्हनि खे जेके राइट्स मिलण खपन उनखा उनखे डिप्राइव करण फेवरेटिज्म करण अमंग द इम्प्लॉइज तो इो भी घणो यानी के फेस करन था इम्प्लॉइज इन हवाले से यो कानून ठयो आहे बाकायदा के इन में तहां जेको कंप्लेन कोई इंक्वायरी कमेटी यानी कि ठाई वेंदी उन इदारे में उन इंक्वायरी कमेटी में जेको आहे इम्प्लॉई कंप्लेन पंहिंजी फॉरवर्ड करे सघे थो कि इन के सुपीरियर अथॉरिटी या उनजे मतलब जेको उनजो रिप्रेजेंटेटिव हूंदो उनजे थ्रू या डायरेक्ट तहां इम्प्लॉई जेको आहे कंप्लेन करे सघे थो ओम्बड्समैन खे वफ मतलब सिंध ओम्बड्समैन थी वियो या वफाक जे इदारनि जो थी वियो त वफाकी मुहतसिब आला सूबाई मुहतसिब आला उन्हनि खे कंप्लेन करे सघे थी उन में कुझु पनिशमेंट्स आहिनि कैपिटल पनिशमेंट्स आहिनि कुझु मतलब माइनर पनिशमेंट्स आहिनि त हिन कानून जे अंदरि काफ़ी यानी कि ॿुधायो वियो आहे कि कहिड़े तरीक़े सां तव्हां डील करे सघो था। सही ऐं जेके माण्हू ख़ुदा न ख़ासा अगरि अहिड़ी कंहिं हैरेसमेंट जा शिकार थियनि था जेके जेके मां साहिब ॿुधाए रही हुयूं त असां वटि सभिनी खां पहिरीं त हिकु शइ जेका मां हमेशह कोट कंदी आहियां त पंहिंजे जेके तव्हांजा राइट्स आहिनि या पंहिंजो जेको कानून आहे उनखे पढ़ो ज़रूरु। हाणे त सभु कुझु अवेलेबल आहे इंटरनेट ते अवेलेबल आहे तव्हां का बि शइ लिखो तव्हां वटि उनजा उनजी तमामु शयूं तव्हां वटि अवेलेबल आहिनि। हाणे त उहो दौर ई कोन्हे त असां चऊं त असां कॾहिं ईंदासीं करे ॾिसंदासीं कुझु थींदो हाणे त सभु कुझु तव्हां वटि अवेलेबल आहे जेकॾहिं न त वी हैव अ नंबर जंहिं ते तव्हां कॉल करे ऐं पंहिंजे मसले जो हल ॼाणी सघो था या नेक्स्ट पंहिंजो स्टेप ॼाणे सघो था। डॉक्टर साहिबु तव्हांजी तरफ़ ईंदमि ऐं प्रोग्राम जो टाइम जेको आहे ॾाढो तेज़ी सां अॻियां वधी रहियो आहे ख़बर नाहे छो इहो लास्ट ब्रेक ॾाढो जल्दी हलियो वेंदो आहे मूंखे ईअं लॻंदो आहे त जेके लास्ट 20-25 मिंट हूंदा आहिनि ख़बर ई न पवंदी आहे कीअं ख़तमु थी वेंदा आहिनि। डॉक्टर साहिबु हिते तव्हां माशाल्लाह सां ॾाढो कामयाबी सां काफ़ी सारनि माण्हुनि खे सहतियाब करे रहिया काफ़ी सारनि माण्हुनि जी ज़िंदगी ख़ूबसूरत हेल्दी
बनाए रहा है, खूबसूरत बनाए रहा है, बचपन में पढ़े हो से हेल्थ इज वेल्थ, तो वह जिंदगी तो माशाल्लाह से माँ ठाए रहा है। मैं थोड़ा सो जान चाहें थी आम लफ्ज़ में पे मूँ तीन पहुँचाने चाहें थी तो अस जैसे आम मूँ की गाल क्यों था तक तो लगे तो हू इज़ एट द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ या थायरॉइड। दिसो तो माना जो डायबिटीज पा डिस्कस किया काफ़ी तो भाई लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो है मतलब वो होने या डाइट केयर को बाकी जो थायरॉइड की गाल कई तो थायरॉइड जो है ऑटोइम्यून डिजीज है ठीक है तो वो मतलब अस काफ़ी जो है आम मानू के उनकी अवेयरनेस को इवन काफ़ी जो डॉक्टर्स उनमें जो अवेयरनेस ना वो थायरॉइड के करीब जो वजन वे तो या जो है इनफर्टिलिटी या केस थन था मिसाल के तौर पर पावट जो शादी थी है जैसे डेढ़ बिन साल बार न थो तो सजो इल्ज़ाम अची वो मन लेडीज वाइफ से इंदो तो भाई जो मतलब बार इन के उनमें फॉल्ट है ये ना ओतरा ही जो कारण मर्द मानू में हूँ वो उन में यो हों तो लेडीज़ में असा मोस्टली काज जो मिल थायरॉइड जो मिल बया सबब थी सकता काफ़ी सबबन तो थायरॉइड भी जी हाँ बिल्कुल मतलब काफ़ी कॉमन है तो उनके असंखे जो है नेगलेक्ट न करना खे थायरॉइड के करे और बी बीमारियों जन्म वन थी जो सिंपल पा उन रिलेटेड जैसे गाल क्यों तो जी तुझा तो जो है माना मोटापो थी थायरॉइड जहाँ कई किस्म थन मन जी हाइपोथायरॉइडिज्म थे तो उनमें वजन वी वो हली हाइपरथायरॉइडिज्म हों तो उनमें वजन लही वो सही। अच्छा डॉक्टर साहब इतने थायरॉइड की गाल कजे थी तो अस जी अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या को थी रो है डायबिटिक पेशेंट तो उनके डिफरेंट सिम्पटम्स असके नजर इंदा उ तकरीबन माँ के सिम्पटम्स के बारे में खबर होंगी है जैसे थायरॉइड की गाल क्यों था थायरॉइड भी डायबिटीज वागू एक साइलेंट डिजीज है जो अंदर पले रही है तक खबर ना है। ऐसो मोस्टली ये होंगे तो माना जो साइलेंट होंगी है पर जैसे को पेशेंट डॉक्टर विजिट कर तो उनको अंदाजो थी वो तो जी दसो जैं हाइपोथायरॉइडिज्म है तो उनको वजन वो ठीक है उनमें मतलब एंजाइटी डिप्रेशन वी जो मन कंप्लेन कह तो भाई मुझे कम कर दिल को चवे ठीक है कब्जी की शिकायत कह मन जैरन पेरन सोजी की शिकायत कह ठीक है तो इन किस्म जो कुछ अलामतू हूं जैमें असें मतलब खबर पे थायरॉइड बेसिकली अस गाड़ी की इंजन होंगी है जो अस मथे के वार का वी पेर के नुह तई जो मन असर क्या इवन काफ़ी जो अस लेडीज अड़ी भी होंगे चन भी अस वार लहन पाया तो सिंपल असा जैसे थायरॉइड टेस्ट कराइंदा तो खबर पड़ी तो भी थायरॉइड के वार लहन पे मतलब जी हाँ बिल्कुल कोई सिम्पटम्स हूँ जैसे कें हाइपरथायरॉइडिज्म है तो उनमें पेशेंट बुधाइंदा तो जो मतलब असो वजन ओचतो लही वो हली अठ या दह किलो वजन लही वो हली दिल की धड़कन असि तेज थे पी वो जो मिसाल के तौर पर कोई वर्किंग पर्सन है जैसे लिखे पे तो हथ जो मतलब दकन पे ठीक है उनसा गुड बी लेडीज में काफ़ी जो उनके थायरॉइड जहाँ डायट जन असरात हूँ जी हाँ बिल्कुल असके हिस्ट्री में पेशेंट की कंप्लेन में अंदाजो अंदाजो है मसलो सिर्फ असा वो यो है असा जैसे तुम जनरल फिजिशियन वट वा ये नंढी नंढी कंप्लेन्स कह रहा हों तो असेंगे ओडी मल जो इमीजिएट सही थियण वाली जो मेडिकेशन उ मिली वन असें लगन तो मसलो हल थी ऑल्दो उनके पोया रीजन को वो हों सो यो भी ढो जरूरी है तो अस डॉक्टर्स के शोल्डर्स से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर कोई अड़ो पेशेंट अचे तो पे तो अस हलिया वनू वही गाल यो भी कल्चर है तो असा वा को पर जो हलिया वो तो उनखां पो असांजे सही असेसमेंट जेका है वह मुझे ख्याल में असांजी जनरल फिजिशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वे अगर उनके जरूर भी को एहसास थे तो वे टेस्ट के थ्रू या डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू सही जगह तक पहुँचन सही बीमारी तक पहुँचन ताकि उनको टाइमली इलाज थी सके अगर इनिशियल स्टेज में आए तो उनखां वधी न वने आई गेस यो बिग शे है जो असांजे डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा डॉक्टर साहब आखिर में तहां ट्रेनिंग का वक्त लाई घट है पर मैं चाहिंदी आ तो छो न छो तो ब हफ्ता वरी असें बीह ब हफ्ता छो छुट्टी कदासी बी असें उ छुट्टी करनी है उनका मंडे से तहाँ से वरी मुलाकात करनी है तो मैं चाहें थी तो अजोके हफ्ते के आखिरी एपिसोड के ढो खुशायन तरीके से एंड क्यों मैं जान चाहें थी अक्सर हर इंसान के करियर में सक्सेस स्टोरीज होंदियों कुछ मूँ पैं जिंदगी जहाँ एक्सपी
एक्सपीरियंस हुआ या कोई कुछ स्टोरीज अड़ी हूँ जो तेन के ऐसी बुधाइंदा तक स्टार्ट कर चाहम तेतो अरसो लीगल सोसाइटी से गुड रहा आम श्योर तो जितना मसला तुम हल क्या हों उनमें का अड़ी जरूर सक्सेस स्टोरी होंगी जैं टाइम से तक भी इंस्पायर किया हों कें टाइम से तुम भी सोचो हों तो यार हि जी शे ना नामुमकिन तरीके की शे हुई थी वही है या ढी सुी थी है अड़ी का सक्सेस स्टोरी एकड़ी कॉलर हुई 50 साल का मथे जी उनकी उम्र हुई तो उन वेचारे यो चयो त कॉल जी उन कई तू रोए पई तो पेरी तो मां उनके जोका है वो थोड़ो थदो कयो मुझे बाबा अल्लाह भली कंदो बुधायो ता जो जोका है वो मसलो छ है तो उन चयो तो मां 17 18 साल जी हुयम तो मां जोका है वो कोर्ट मैरिज कई कोर्ट मैरिज करण का पो जोका है मुझे जका फैमिली हुई उन मुसा कता जोका है वो ला तालुके जो इजहार करे छियो मां हियर 58 साल जी थी वई आया आई हाने मुसा फैमिली तो मुजी तो छे दिनों मुख्य सब कुछ हाँ मुझे मुड़स मुख्य इन उम्र में तलाक तो दे शुगर पेशेंट आया सब कुछ मुट इलाज जहाँ भी पैसा ना मेंटेनेंस जहाँ भी पैसा ना क्या मां कदे वा मन वो वेचारी एडी एडो रोए थी पी एडो रोए थी पी तो उनके पे हिम्मत दई कर तो कोई मसलो को अस वेठा तहे तो सब का पे उनके यो तो कोशिश कर तो वो पाँ मुड़स से ठा करने की कोशिश कर चे नी ठा मुझे छो चे जी बस मुख्य औलाद को बी शादी कई एडा सब कुछ तो उन हिसाब से ना वो बिल्कुल भी नो सके मेहरबानी करे मुख्य को हाल बुधा तो मां को मसलो को मेंटेनेंस वी दियन उन्हीं लिए वकील प्रोवाइड कर फ्री में असो कम आ वो यकीन ही न पी कर चे अज की दुनिया में फ्री में वकील जो है वो तीनों बिल्कुल अस फ्री में वकील दींदी वेचारी हाउस वाइफ उनके खबर न हुई तो उनके लीगल एड सोसाइटी फ्री वकील दिनों फ्री वकील दियन का पो जेडी माल उनके मेंटेनेंस मिली मेंटेनेंस का पो जो ना वो उनते डाडो जो है वो तशद्दुद वगैरह उनको जो हस्बैंड हो वो कंदो हो तो पो हुन चयो तो जो असो तो डोमेस्टिक वायलेंस भी तुम घरेलू तशद्दुद की कंप्लेन कर चे ना बस मुख्य इनका जान छदाय दियो जान छदाय दियो मुख्य जान छदाणी है बस उन्हीं का पो हुन जो है वो खुला वठी वरती असानी वकील जो थोड़ो पो मां ही उनके सलाह दिनी तो तहां जो का है वो तहां पांजे भाईर जे केन उनन का तहां जे वालिद साहब जी तरफा जेका प्रॉपर्टी जो शेयर वो छो न था वठो हां जे वो तो मां हेडी थी वया मां पांजी जिंदगी में न कयो हाने मां की तो करे सका मुजो का हद कोने औरत पांजी प्रॉपर्टी जेका है वा जे भी पांजे उम्र जे हिस्से में होजे करे सके थी नि तो सुप्रीम कोर्ट जो का है जजमेंट्स भी आहे तो औरत पांजी प्रॉपर्टी जे भी और उम्र जे हिस्से में होजे करे सके थी पो उन्हीं का पो मां उनके या भी सलाह दिनी तो सूट फॉर पार्टीशन में वने हाँ। जो वो पांजी प्रॉपर्टी पे भाईरन का भले तक लीगल वैल्यू ना है उन केस भी वही फाइल कर बकोल उनके ढी खुश थी ढूं दुआई दिनों वो तुम कम करके बदले तक दुआं मिलंदून कंखे जो है वो सिलो मिल उनकी ढी इनर सेटिस्फिकेशन थी इंसान मुतमिन ढी खुशी मिली बिल्कुल एंड खबर ना स्टेज से फोन कई खबर ना केतन साल इन मसले में हो बिल्कुल एंड देन कदे उन्होंने यू भी न सोचो जो तो वराय से मां वनी पनी प्रॉपर्टी का क्लेम कंदम या कुछ कंदम तो हाने आई गेस काफी की सुठी जिंदगी ब गुजारे रही हुंदी हन उम्र में अच्छी पाजी मजी जिंदगी गुजारे रही हुंदी तहां दी तरफ जी महवेश मां ना के यो बनाना चाहना द मू जे के कॉल्स रिसीव किए उन में एकरी सक्सेस मतलब मु द तमाम घणी आहन लेकिन उन में एकरी शेयर करना चाहना के एकड़ो ओल्ड एज यानी के फादर वो मतलब कॉल तो करे शिकायत तो दे पांजी औलाद के खिलाफ के भाई वे मुसा एतरे यानी कि अब्यूजिव आहन घर में फिजिकल टॉर्चर से तो वो फिजिकल टॉर्चर तो उनमें भी अब्यूजिव लैंग्वेज या जी बदतमीजी करण औलाद के तरफा तो अड़ी कंप्लेन में जो है बुधी उन्हें ओल्ड एज सीनियर सिटीजन हुआ यानी कि 60 साल का मथे उनकी एज हुई उन्होंने ये शिकायत कर इलाही बुरे तरीके से डिसहार्ट होया कि मुझी औलाद मुसा हिं थी करे मुख्य बुधायो तो मां छा कया इन सूरत में तो इन हवाले से भी मां उनन के जेको मशवरो नो तो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन थी है डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2013 उनके तहत तुम वही कर मैजिस्ट्रेट की कंप्लेन कर डायरेक्ट इन में अगर तक प्रोबोनो लॉयर की गाल कर तो सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड न बल्कि अस सीनियर सिटीजन्स के भी प्रोवाइड करना आयो तो उनमें जो है मां जो इन जो केस रेफर किया उन्होंने कि तहां परेशान न थियो ताके मां जो है ताजो केस भी मां रेफर कयां थी ताके फ्री जो है वकील दिनों वेंदो तहां अगर वाकई यो चाहियो था पो भी वो पेरेंट्स एतरा फिक्रमंद हुआ हालांकि उन्होंने औलाद थोड़ी बदतमीज़ हुई थोड़ी ना काफ़ी
लेकिन वो भी जनफे न हम असा जो है हम इतनी सजा नहीं दिलवाना चाहते अड़े तरीके से करन पे रिक्वेस्ट लेकिन मैं उनके पूरा बुधायो मन चो तो एटलीस्ट कोर्ट का प्रोटेक्शन ऑर्डर वी सोता उन में ती औलाद के सिर्फ ऑर्डर किया वो कि इन्हें कोई अड़े तरीके से मतलब टॉर्चर न किया वे अगर किया तो पुलिस अरेस्ट कर सके थी जुडिशियल कस्टडी में जो है सो सेंड कर सके थी तो इं ही थो उन केस जो है असाज लॉयर के थ्रू फाइल किया प्रोबोनो सर्विस उन्होंने मिली अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उन्होंने कामयाबी मिली कोर्ट जो है उन्होंने ऑर्डर किया पुट या जो भी औलाद तंग थी करे उन्होंने जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट पास कर पाबंद कर छो इन फ्यूचर हाँ यानी कि हिंसर यानी कि उन्होंने कॉल कॉल आई बीहर भी तो उन्होंने जो एप्रिशिएट भी किया दुआओं भी दिन इलाही मतलब खुशी थी तमाम खुशी थी कि उन्होंने रिलीफ मिलो असाज थ्रू यो ही असो है गिफ्ट इनाम है कि अगर कॉलर असा अड़ा यानी कि रिमार्क्स दियन था पुट के यानी कि पाबंद के वे हाँ वो कुछ अड़ो कौ तो उन फ्यूचर जो है कोर्ट उन अरेस्ट कराए सी तो जी जी उन अलावा ही तो यानी कि नंढड़ो मैटर तो सभी का जी सुी शिटी वो केस माँ यानी कि ना डील कयो असानी लीगल एड सोसाइटी ही डील करो केस हुयो माइनर जो इन में यो हुयो कि फीमेल जो है उनके औलाद न पी थे तो उन पांजे भा जी ब न्याणियों उहे एडॉप्ट कयूं कि माँ इन पाली नम उहे रहंदी हुई पाजी पुफो सा जी उन्हें के माँ जो प्यार नो हर शे लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अड़ी कंडी सिचुएशन थी कि उन्हें जो हस्बैंड हो उनकी नीयत खराब थी उहे बिल्कुल माइनर हुई पंजन छह साल जो भी छोकरी हुई पर एक ब साल जो गैप हो बिन्हीं के बीच में उन्हें से ज्यादती थी उनके हस्बैंड के तरफा यानी कि उन्होंने रेप किया वो तो इन हवाले से जो है उनके खबर न हुई उहे मतलब कुछ वक्त उन्होंने रखो आफ्टर रेप छह महीना का उन्होंने रखो उन जी धी हुई यानी कि जी एडॉप्ट कर खड़ी वही हुई फीमेल उनकी गैर मौजूदगी में उनके हस्बैंड यह हरकत कई उन न्याणियों से छह महीना गुजरिया तो उन्होंने जो पे मतलब भा के वापस कर छड़ियों रिटर्न कर छड़ियों उन वक्त जो है ना उन छोकरियों के मतलब पेट में सूर थो या कुछ अड़े तरीके से तो ई डॉक्टर जो है उन्होंने वारिस उन्होंने वी वह उतने उन्होंने खबर पी तो उन्होंने ज्यादती थी तो उन्होंने बताया तो धीरे से मतलब धीरे से ज्यादती थी है उन्होंने कॉल कई असो है उन्होंने एडवाइस कई कि प्लेटफॉर्म से वही है रिपोर्ट जल्दी से एफ आई आर दर्ज कराया उन मूँ के खिलाफ जो मेडिकल एविडेंस रखल कोर्ट में प्रोड्यूस किया प्रोबोनो सर्विस असाजे तरफा दिनी वही असा लॉयर्स लिटिगेशन में कम कर रहा जो केसिस हलईंदा वही कोर्ट में उन्होंने तमाम सुठे तरीके से उनके डील किया फाइनली उनके जो है पनिशमेंट दियारी कैपिटल अच्छा माँ कदें कदें सोचनी है लीगल एड सोसाइटी या इन तरीके जो जी भी मूँ जिते जिथे पाकिस्तान के जैसे कुंड में कम कर रहा है खूबसूरती से कम कर रहा है प्यारो कम कर रहा है माँ की इसलाह कर रहा है पर कदें कदें सोच असानी सोसाइटी के एक्चुअली थी रो अड़ा मसला घट में घट माँ जैसे कल्चर का बिलोंग क्या थी माँ तीन माँ कदें जिंदगी में यो सोचे भी नहीं तो मुझे कल्चर जो मूँ को अड़ी तमाम शहर में को मुलविस हों आखिर में डॉक्टर साहब जल्दी से टाइम ढो घट बचो है तुम तो काफ़ी सारा अड़ा मूँ हों जिनके सत्याबी रही सक्सेस स्टोरीज टाई होंद पर अड़ी जी का याद रही हाँ सिंपल जी खुद बुझा तो टाइम घट है ठीक है ना तो उनमें ऐसो कें भी डॉक्टर ला उनके लिए मेंटली सर्टिफिकेशन तदे होंगी उनकी मन वो खुशी और लम्हो वो होंगे जैसे को भी पेशेंट तकलीफ से अचे जी तकलीफ दूर थे तो साल पहरी जो है मोटी जो है यंग जो है फीमेल आई वह हुई बलूचिस्तान की तो उनकी एज 17-18 साल हुई मैट्रिक में हुई तो उनको है ना माना 8-9 किलो वजन लही वो जैसे लही तो उन काफ़ी माना डॉक्टर के दिखारो पे घर में थी कोयटा में डॉक्टर के दिखारे जैसे मोट आया तो उनकी दिल की धड़कन एतरी माना तेज़ हुई वजन मतलब लहन से गुड जो हले पी तो मतलब हली न पी सके सा तो जैसे उन दिखो फाइल में सब टेस्ट हुई तो सिंपल मुझे ध्यान वो जो पा डिस्कस थायरॉइड ना जब थायरॉइड की टेस्ट कराई तो उनमें हाइपरथायरॉइडिज्म अची उनके सिर्फ एक टेबलेट दिनी जो 5 रुपये की हुई तो जो जैसे मन वठण शुरू कई पहली गाल तो कराची में वापस वाले तैयार कौन हुआ छा वेचारा वा परेशान हुआ
मूं उन्होंने यो समझाया बाबा तीन तो 14 ढी टेबलेट वो तो वजन भी वन शुरू थो ये बोके मसला थन पा दिल की धड़कन भी सही थी ए बिल्कुल सही थी पर वो एतरा वेचारा मतलब परेशान हुआ उन कराची रही जो तुम चव 14 ढी अस 14 ढी होटल में हूँ सही थी पोंदी जो 14 ढी का आया तो वो मन वेचारी हलन के भी काबिल हुई बिल्कुल सही हुई तो वो न बल्कि मुझे खुशी जो लम्हो हो असि पूरी जो टीम है असा गुड जो खुशी कम मतलब लम्हो हो तो जैसे प्रॉपर डायग्नोस थे पेशेंट की जैसे तकलीफ दूर थे तो वह डॉक्टर के लिए खुशी जी खुशी है बिल्कुल बिल्कुल सही गाल है तमाम उ मू जे मे मसाइल उ हल कह या मांग के सहतियाब कह या इन तरीके के कें भी शोबे से ताल्लुक रखा आई गेस उ असाजे न सिर्फ मुल्क जहाँ दुनिया जहाँ प्रीशियस मूँ जो मांग के मे मसाइल में कढ़न था चाहे वो मसाइल को हेल्थ रिलेटेड इशू हो या को कानून रिलेटेड को इशू हो। थैंक यू सो मच तभी जो असा प्रोग्राम में असर होजन के लिए भी वही मेहरबानी असर होजन के लिए इंशाल्लाह वरी मंडे ते तहां सबनी सा मुलाकात थींदी तेस ताईं बडी छुट्टी जाहन जिनके असां के भरपूर तरीके सा एंजॉय करनो आए असां के रेस्ट भी करनो आए पर ख्याल रखनो आए पाजी हेल्थ जो भी आई खाए पी सुमणो ना या एक हिदायत है जेका मां पने तमाम व्यूअर्स के देण चाहां थी बिकॉज़ यकीन कयो वो टाइम जेडे हियर ताईं जेके माणू इन तमाम शयन जो शिकार थिया हन शायद उनन वट वे शयन नयूं जेके हियर असां वट अवेलेबल हन असां वट जंक जे तरीके जो अवेलेबल आए असां वट जेको लाइफस्टाइल जे तरीके जो अवेलेबल आए हाने तहांजी बॉडी जेका है ना वो इन शयन के बर्दाश्त थे नेचुरल शयन तई शायद असा यो लाइफस्टाइल बर्दाश्त करे व्यासी पर हिनन शयन सा गड शायद बॉडी जेका है वो बर्दाश्त न कर सकंदी। तो वीकेंड जरूर आहे पर हेल्दी वीकेंड वीकेंड के हेल्दी वीकेंड ठायो आई पजे पान के कानूनी तमाम शयन सा जरूर अवेयर रखो बिकॉज़ तहां के तहां जो राइट खबर जन इलाही जरूरी है। इंशाल्लाह मुलाकात थिंदी मंडे ते तेस ते सबनी के दिंदा इजाजत अल्लाह हाफिज़।